हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में फिल्म की जो रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और लोगों के द्वारा दिया हुआ रिव्यूज और उनका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, और ये फिल्म किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है और थिएटर पर कब तक रिलीज़ की जाएगी और OTT प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कब तक दिखी जाएगी और YouTube पे अवेलेबल है या नहीं, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिले। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने इस वीडियो में मूवी को बहुत अच्छे से रिव्यू किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फिर शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। आला वैकुंठपुरमुलु, जिसे प्रारंभिक वाद AVPL द्वारा भी जाना जाता है, एक 2020 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे त्रिविक्रम श्रीनिवास ने लिखा और निर्देशित किया है। पूजा हेगड़े, तब्बू जयराम, सुशांत निवेदाम, पेतुराज समुद्रकानी, गोविंद पच्चासूर्यम, सचिन खेड़कर, मुरली शर्मा, रोहिणी नवदीप, सुनील हर्षवर्धन, वेनला किशोर, अजय जैसे कलाकारों की टुकड़ी के साथ फिल्म में अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में है और राजेंद्र प्रसाद अन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसका निर्माण अल्लू अरविंद और एस राधाकृष्ण ने क्रमशः अपने बैनर गीता आर्ट्स और हरिकम और हसीन क्रिएशंस के तहत किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो अल्लू अर्जुन बंडू के रूप में हैं, पूजा हेगड़े अमूल्य अम्मू के रूप में बंडू की प्रेमिका, तब्बू यशोदा यासु बंटू की जैविक माँ और राज की पालक माँ के रूप में हैं, रामचंद्र के रूप में जयराम बंडू के जैविक पिता और राज के पालक पिता हैं, सुशांत के रूप में राज मनोहर राज है, नंदिनी नंदू के रूप में निवेथम पुथुराज राज की प्रेमिका है, काशीराम की बेटी, समुद्रकानी अप्पालाम नायडू के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो यह बताया गया कि त्रिविक्रम श्रीनिवास अल्लू अर्जुन के साथ एक नई फिल्म का निर्देशन करेंगे, जो अरविंद समितम वीरा राघव 2018 की रिलीज के बाद होंगी। पटकथा सुनने के बाद यह बताया गया कि अल्लू अर्जुन ने त्रिविक्रम को कुछ बदलाव करने की सलाह दी थी। शिष्यों की अदला बदली का विचार पहले वेदांतम राघवैया की इंटी गुट्टू 1958 में किया गया था, जिसमें NT रामा राव और सवित्री ने अभिनय किया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो अपने थिएटर रन के अंत तक फिल्म दुनिया भर में 262 करोड़ से 280 करोड़ की कमाई करने में सफल रही, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म ने दुनिया भर के वितरकों को कमाई की 163.17 करोड़ का हिस्सा है। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस, मतलब ऑनलाइन किस किस ने रिस्पॉन्स किए इस फिल्म के बारे में, तो फिल्म को विशेष रूप से अल्लू अर्जुन संगीत स्कोर पटकथा और पटकथा के प्रदर्शन के लिए ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, जबकि फिल्म की अनुमानित कहानी और कथा की आलोचना की गई है। बात करें समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटो ने 5 समीक्षकों के आधार पर 100 की
100% की स्वीकृति रेटिंग की रचना दी। फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि अल्लू आला वैकंठा मनपुरलो काफ़ी हद तक मनोरंजक और आकर्षक दोनों हैं। हालांकि इसके खांचे को खोजने से पहले इसमें काफ़ी समय लगता है। कोई इस बारे में बहुत बहस कर सकता है कि फिल्म की गति किसी है फिल्म को फिल्म हो सकती थी और अगर पत्रों के एक समूह को खाने के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने का एक बेहतर तरीका होगा। लेकिन जब त्रिविक्रम कहानी सुनना समाप्त करता है तो वह आपको एक सुखद एहसास देता है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब OTT प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं तो फिल्म के उपग्रह और डिजिटल अधिकार केवल जेमिनी टीवी को बेचे गए थे। फिल्म का डिजिटल प्रीमियर 27 फरवरी 2020 को सन NXT पर हुआ। इसके थिएटर रन के 49 दिनों के बाद उसी दिन निर्माताओं ने फिल्म को नेटफ्लिक्स के माध्यम से स्ट्रीमिंग अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ मलयालम डब संस्करण के साथ अंगु वैकुंठपुरमुलु को 4 मार्च 2020 को मंच के माध्यम से जारी किया। फिल्म का विश्व टेलीविजन प्रीमियर 16 अगस्त 2020 को जेमिनी टीवी और जेमिनी मूवीज के माध्यम से हुआ। वैकुंठपुरमु नामक तमिल डब संस्करण का सन टीवी पर प्रीमियर हुआ। इसने 29.4 रेटिंग के साथ एक रिकॉर्ड TRP दर्ज की जो अब तक की एक तेलुगु फिल्म के लिए उच्चतम है। 13 फरवरी 2022 को डिनचेक टीवी चैनल पर हिंदी डब संस्करण का प्रीमियर हुआ था। आला वैकुंठपुरमुलु जिसे परमभिकवाद AVPL द्वारा भी जाना जाता है एक 2020 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे त्रिविक्रम श्रीनिवास ने लिखा और निर्देशित किया है। पूजा हेगड़े तब्बू जयराम सुशांत निवेदा पेथुराज समुद्रकानी गोविंद पच्चा सूर्या सचिन खेड़कर मुरली शर्मा रोहिणी नवदीप सुनील हर्षवर्धन वेनला किशोर अजय जैसे कलाकारों की टुकड़ी के साथ फिल्म में अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में हैं और राजेंद्र प्रसाद अन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसका निर्माण अल्लू अरविंद और AS राधाकृष्ण ने क्रमश अपने बैनर गीता आर्ट्स और हरिकम और हसीन क्रिएशंस के तहत किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो अल्लू अर्जुन बंटू के रूप में हैं, पूजा हेगड़े अमूल्य अम्मू के रूप में बंटू की प्रेमिका, तब्बू यशोदा यासु बंटू की जैविक माँ और राज की पालक माँ के रूप में हैं, रामचंद्र के रूप में जयराम बंटू के जैविक पिता और राज के पालक पिता हैं, सुशांत के रूप में राज मनोहर राज है, नंदिनी नंदू के रूप में निवेथा पुथुराज राज की प्रेमिका है, काशीराम की बेटी समुद्रकानी अप्पालाम नायडू के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो यह बताया गया कि त्रिविक्रम श्रीनिवास अल्लू अर्जुन के साथ एक नई फिल्म का निर्देशन करेंगी जो अरविंद समिता वीरा राघव 2018 की रिलीज के बाद होंगी। पटकथा सुनने के बाद यह बताया गया कि अल्लू अर्जुन ने त्रिविक्रम को कुछ बदलाव करने की सलाह दी थी। शिष्यों की अदला बदली का विचार पहले वेदांतम राघवैया की इंटी गुट्टू 1958 में किया गया था।
जिसमें एन टी रामा राव और सावित्री ने अभिनय किया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो अपने थिएटर रन के अंत तक फिल्म दुनिया भर में 262 करोड़ से 280 करोड़ की कमाई करने में सफल रही, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म ने दुनिया भर के वितरकों को कमाई की 163.17 करोड़ का हिस्सा है। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस, मतलब ऑनलाइन किस किस ने रिस्पॉन्स किए इस फिल्म के बारे में, तो फिल्म को विशेष रूप से अल्लू अर्जुन संगीत स्कोर पटकथा और पटकथा के प्रदर्शन के लिए ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, जबकि फिल्म की अनुमानित कहानी और कथा की आलोचना की गई है। बात करें समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटो ने 5 समीक्षकों के आधार पर 100% की स्वीकृति रेटिंग की रचना दी। फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दी और लिखा कि अल्लू आला वैकंठा मनपुरलो काफ़ी हद तक मनोरंजक और आकर्षक दोनों हैं। हालांकि इसके खांचे को खोजने से पहले इसमें काफ़ी समय लगता है। कोई इस बारे में बहुत बहस कर सकता है कि फिल्म की गति किसी है फिल्म को फिल्म हो सकती थी, और अगर पत्रों के एक समूह को खाने के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने का एक बेहतर तरीका होगा। लेकिन जब त्रिविक्रम कहानी सुनना समाप्त करता है, तो वह आपको एक सुखद एहसास देता है। बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब OTT प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं, तो फिल्म के उपग्रह और डिजिटल अधिकार केवल जेमिनी टीवी को बेचे गए थे। फिल्म का डिजिटल प्रीमियर 27 फरवरी 2020 को सन NXT पर हुआ। इसके थिएटर रन के 49 दिनों के बाद उसी दिन निर्माताओं ने फिल्म को नेटफ्लिक्स के माध्यम से स्ट्रीमिंग अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ मलयालम डब संस्करण के साथ अंगु वैकुंठपुरमुलु को 4 मार्च 2020 को मंच के माध्यम से जारी किया। फिल्म का विश्व टेलीविजन प्रीमियर 16 अगस्त 2020 को जेमिनी टीवी और जेमिनी मूवीज के माध्यम से हुआ। वैकुंठपुरमु नामक तमिल डब संस्करण का सन टीवी पर प्रीमियर हुआ। इसने 29.4 रेटिंग के साथ एक रिकॉर्ड TRP दर्ज की, जो अब तक की एक तेलुगु फिल्म के लिए उच्चतम है। 13 फरवरी 2022 को डिनचेक टीवी चैनल पर हिंदी डब संस्करण का प्रीमियर हुआ था। आला वैकुंठपुरमुलु, जिसे प्रारंभिक वाद AVPL द्वारा भी जाना जाता है, एक 2020 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे त्रिविक्रम श्रीनिवास ने लिखा और निर्देशित किया है। पूजा हेगड़े, तब्बू जयराम, सुशांत निवेदाम, पेतुराज समुद्रकानी, गोविंद पाचा सूर्याम, सचिन खेड़कर, मुरली शर्मा, रोहिणी नवदीप, सुनील हर्षवर्धन, वेनला किशोर, अजय जैसे कलाकारों की टुकड़ी के साथ फिल्म में अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में हैं और राजेंद्र प्रसाद अन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसका निर्माण अल्लू अरविंद और एक राधाकृष्ण ने क्रमश अपने बैनर गीता आर्ट्स और हरिकम और हसीन क्रिएशंस के तहत किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो अल्लू अर्जुन बंटू के रूप में हैं, पूजा हेगड़े अमूल्य अम्मू के रूप में बंटू की प्रेमिका, तब्बू यशोदा यासु बंटू की जैविक माँ और राज की पालक माँ के रूप में हैं,
रामचंद्र के रूप में जयराम बंटू के जैविक पिता और राज के पालक पिता हैं। सुशांत के रूप में राज मनोहर राज है। नंदिनी नंदू के रूप में निवेदिता पुथुराज राज की प्रेमिका है। काशीराम की बेटी समुद्र कानी अप्पालाम नायडू के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो यह बताया गया कि त्रिविक्रम श्रीनिवास अल्लू अर्जुन के साथ एक नई फिल्म का निर्देशन करेंगी जो अरविंद समितम वीरा राघव 2018 की रिलीज के बाद होंगी। पटकथा सुनने के बाद यह बताया गया कि अल्लू अर्जुन ने त्रिविक्रम को कुछ बदलाव करने की सलाह दी थी। शिष्यों की अदला बदली का विचार पहले वेदांतम राघवैया की इंटी गुट्टू 1958 में किया गया था जिसमें एन टी रामा राव और सवित्री ने अभिनय किया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो अपने थिएटर रन के अंत तक फिल्म दुनिया भर में 262 करोड़ से 280 करोड़ की कमाई करने में सफल रही जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म ने दुनिया भर के वितरकों को कमाई की 163.17 करोड़ का हिस्सा है। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस मतलब ऑनलाइन किस किस ने रिस्पॉन्स किए इस फिल्म के बारे में तो फिल्म को विशेष रूप से अल्लू अर्जुन संगीत स्कोर पटकथा और पटकथा के प्रदर्शन के लिए ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली जबकि फिल्म की अनुमानित कहानी और कथा की आलोचना की गई है। बात करें समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटो ने 5 समीक्षकों के आधार पर 100% की स्वीकृति रेटिंग की रचना दी। फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दी और लिखा कि अल्लू आला वैकंठा मनपुरलो काफ़ी हद तक मनोरंजक और आकर्षक दोनों हैं। हालांकि इसकी खांचे को खोजने से पहले इसमें काफ़ी समय लगता है। कोई इस बारे में बहुत बहस कर सकता है कि फिल्म की गति किसी है फिल्म को फिल्म हो सकती थी और अगर पत्रों के एक समूह को खाने के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने का एक बेहतर तरीका होगा। लेकिन जब त्रिविक्रम कहानी सुनना समाप्त करता है तो वह आपको एक सुखद एहसास देता है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब OTT प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं तो फिल्म के उपग्रह और डिजिटल अधिकार केवल जेमिनी टीवी को बेचे गए थे। फिल्म का डिजिटल प्रीमियर 27 फरवरी 2020 को सन NXT पर हुआ। इसके थिएटर रन के 49 दिनों के बाद उसी दिन निर्माताओं ने फिल्म को नेटफ्लिक्स के माध्यम से स्ट्रीमिंग अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ मलयालम डब संस्करण के साथ अंगु वैकुंठपुरमुलु को 4 मार्च 2020 को मंच के माध्यम से जारी किया। फिल्म का विश्व टेलीविजन प्रीमियर 16 अगस्त 2020 को जेमिनी टीवी और जेमिनी मूवीज के माध्यम से हुआ। वैकुंठपुरमु नामक तमिल डब संस्करण का सन टीवी पर प्रीमियर हुआ। इसने 29.4 रेटिंग के साथ एक रिकॉर्ड TRP दर्ज की जो अब तक की एक तेलुगु फिल्म के लिए उच्चतम है। 13 फरवरी 2022 को डिनचेक टीवी चैनल पर हिंदी डब संस्करण का प्रीमियर हुआ था। आला वैकुंठपुरमुलु जिसे परमभिकवाद AVPL द्वारा भी जाना जाता है एक 2020 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे त्रिविक्रम श्रीनिवास ने लिखा और निर्देशित किया है।
पूजा हेगड़े, तब्बू, जयराम, सुशांत, निवेदा, पेतुराज, समुद्रकानी, गोविंद पाचासूर्या, सचिन खेड़कर, मुरली शर्मा, रोहिणी नवदीप, सुनील हर्षवर्धन, वेनला किशोर, अजय जैसे कलाकारों की टुकड़ी के साथ फिल्म में अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में है और राजेंद्र प्रसाद अन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसका निर्माण अल्लू अरविंद और एक एस राधाकृष्ण ने क्रमशः अपने बैनर गीता आर्ट्स और हरिकम और हसीन क्रिएशंस के तहत किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो अल्लू अर्जुन बंडू के रूप में हैं, पूजा हेगड़े अमूल्य अम्मू के रूप में, बंटू की प्रेमिका तब्बू यशोदा, यासु बंटू की जैविक माँ और राज की पालक माँ के रूप में हैं, रामचंद्र के रूप में जयराम बंटू के जैविक पिता और राज के पालक पिता हैं, सुशांत के रूप में राज मनोहर राज है, नंदिनी नंदू के रूप में निवेदा पुथुराज राज की प्रेमिका है, काशीराम की बेटी, समुद्रकानी अप्पालाम नायडू के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो यह बताया गया कि त्रिविक्रम श्रीनिवास अल्लू अर्जुन के साथ एक नई फिल्म का निर्देशन करेंगे जो अरविंद समिताम वीरा राघव 2018 की रिलीज के बाद होंगी। पटकथा सुनने के बाद यह बताया गया कि अल्लू अर्जुन ने त्रिविक्रम को कुछ बदलाव करने की सलाह दी थी। शिष्यों की अदला बदली का विचार पहले वेदांतम राघवैया की इंटी गुट्टू 1958 में किया गया था, जिसमें एन टी रामा राव और सवित्री ने अभिनय किया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो अपने थिएटर रन के अंत तक फिल्म दुनिया भर में 262 करोड़ से 280 करोड़ की कमाई करने में सफल रही, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म ने दुनिया भर के वितरकों को कमाई की 163.17 करोड़ का हिस्सा है। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस मतलब ऑनलाइन किस किसने रिस्पॉन्स किए इस फिल्म के बारे में तो फिल्म को विशेष रूप से अल्लू अर्जुन संगीत स्कोर पटकथा और पटकथा के प्रदर्शन के लिए ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, जबकि फिल्म की अनुमानित कहानी और कथा की आलोचना की गई है। बात करें समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटो ने 5 समीक्षकों के आधार पर 100% की स्वीकृति रेटिंग की रचना दी। फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दी और लिखा कि अल्लू आला वैकंठा मनपुरलो काफ़ी हद तक मनोरंजक और आकर्षक दोनों हैं। हालांकि इसके खांचे को खोजने से पहले इसमें काफ़ी समय लगता है। कोई इस बारे में बहुत बहस कर सकता है कि फिल्म की गति किसी है फिल्म हो सकती थी और अगर पत्रों के एक समूह को खाने के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने का एक बेहतर तरीका होगा, लेकिन जब त्रिविक्रम कहानी सुनना समाप्त करता है तो वह आपको एक सुखद एहसास देता है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब OTT प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं तो फिल्म के उपग्रह और डिजिटल अधिकार केवल जेमिनी टीवी को बेचे गए थे। फिल्म का डिजिटल प्रीमियर 27 फरवरी 2020 को सन NXT पर हुआ। इसके थिएटर रन के 49 दिनों के बाद उसी दिन निर्माताओं ने फिल्म को नेटफ्लिक्स के माध्यम से स्ट्रीमिंग अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ मलयालम डब संस्करण के साथ
अंगु वैकुंठपुरमुलो को 4 मार्च 2020 को मंच के माध्यम से जारी किया। फिल्म का विश्व टेलीविजन प्रीमियर 16 अगस्त 2020 को जेमिनी टीवी और जेमिनी मूवीज के माध्यम से हुआ। वैकुंठपुरम नामक तमिल डब संस्करण का सन टीवी पर प्रीमियर हुआ। इसने 29.4 रेटिंग के साथ एक रिकॉर्ड टीआरपी दर्ज की, जो अब तक की एक तेलुगु फिल्म के लिए उच्चतम है। 13 फरवरी 2022 को डिनचेक टीवी चैनल पर हिंदी डब संस्करण का प्रीमियर हुआ था। आला वैकुंठ पुरमुलु, जिसे प्रारंभिक वाद AVPL द्वारा भी जाना जाता है, एक 2020 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे त्रिविक्रम श्रीनिवास ने लिखा और निर्देशित किया है। पूजा हेगड़े, तब्बू जयराम, सुशांत निवेदा, पेथुराज समुद्रकानी, गोविंद पच्चा सूर्या, सचिन खेड़कर, मुरली शर्मा, रोहिणी नवदीप, सुनील हर्षवर्धन, वेनला किशोर, अजय जैसे कलाकारों की टुकड़ी के साथ फिल्म में अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में है और राजेंद्र प्रसाद अन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसका निर्माण अल्लू अरविंद और एक एस राधाकृष्ण ने क्रमश अपने बैनर गीता आर्ट्स और हरिकम और हसीन क्रिएशंस के तहत किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो अल्लू अर्जुन बंटू के रूप में हैं, पूजा हेगड़े अमूल्य अम्मू के रूप में बंटू की प्रेमिका, तब्बू यशोदा यासु बंटू की जैविक माँ और राज की पालक माँ के रूप में हैं, रामचंद्र के रूप में जयराम बंटू के जैविक पिता और राज के पालक पिता हैं, सुशांत के रूप में राज मनोहर राज है, नंदिनी नंदू के रूप में निवेथा पुथुराज राज की प्रेमिका है, काशीराम की बेटी, समुद्रकानी अप्पालाम नायडू के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो यह बताया गया कि त्रिविक्रम श्रीनिवास अल्लू अर्जुन के साथ एक नई फिल्म का निर्देशन करेंगे, जो अरविंद समिता वीरा राघव 2018 की रिलीज के बाद होंगी। पटकथा सुनने के बाद यह बताया गया कि अल्लू अर्जुन ने त्रिविक्रम को कुछ बदलाव करने की सलाह दी थी। शिष्यों की अदला बदली का विचार पहले वेदांतम राघवैया की इंटी गुट्टू 1958 में किया गया था, जिसमें एनटी रामा राव और सवित्री ने अभिनय किया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो अपने थिएटर रन के अंत तक फिल्म दुनिया भर में 262 करोड़ से 280 करोड़ की कमाई करने में सफल रही, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म ने दुनिया भर के वितरकों को कमाई की 163.17 करोड़ का हिस्सा है। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस, मतलब ऑनलाइन किस किस ने रिस्पॉन्स किए इस फिल्म के बारे में, तो फिल्म को विशेष रूप से अल्लू अर्जुन संगीत स्कोर पटकथा और पटकथा के प्रदर्शन के लिए ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, जबकि फिल्म की अनुमानित कहानी और कथा की आलोचना की गई है। बात करें समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटो ने 5 समीक्षकों के आधार पर 100% की स्वीकृति रेटिंग की रचना दी। फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दी और लिखा कि अल्लू आला वैकुंठ मनपुरमुलु काफ़ी हद तक मनोरंजक और आकर्षक दोनों हैं। हालांकि इसके खांचे को खोजने से पहले इसमें काफ़ी समय लगता है। कोई इस बारे में बहुत बहस कर सकता है कि फिल्म की गति किसी
ये फिल्म को फिल्म हो सकती थी और अगर पत्रों के एक समूह को खाने के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने का एक बेहतर तरीका होगा। लेकिन जब त्रिविक्रम कहानी सुनना समाप्त करता है तो वह आपको एक सुखद एहसास देता है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब OTT प्लेटफॉर्म जहां पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं, तो फिल्म के उपग्रह और डिजिटल अधिकार केवल जेमिनी टीवी को बेचे गए थे। फिल्म का डिजिटल प्रीमियर 27 फरवरी 2020 को सन NXT पर हुआ। इसके थिएटर रन के 49 दिनों के बाद उसी दिन निर्माताओं ने फिल्म को नेटफ्लिक्स के माध्यम से स्ट्रीमिंग अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ मलयालम डब संस्करण के साथ अंगु वैकुंठपुरमुलु को 4 मार्च 2020 को मंच के माध्यम से जारी किया। फिल्म का विश्व टेलीविजन प्रीमियर 16 अगस्त 2020 को जेमिनी टीवी और जेमिनी मूवीज के माध्यम से हुआ। वैकुंठपुरमु नामक तमिल डब संस्करण का सन टीवी पर प्रीमियर हुआ। इसने 29.4 रेटिंग के साथ एक रिकॉर्ड TRP दर्ज की, जो अब तक की एक तेलुगु फिल्म के लिए उच्चतम है। 13 फरवरी 2022 को डिनचेक टीवी चैनल पर हिंदी डब संस्करण का प्रीमियर हुआ था। आला वैकुंठपुरमुलु, जिसे परमभिकवाद AVPL द्वारा भी जाना जाता है, एक 2020 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे त्रिविक्रम श्रीनिवास ने लिखा और निर्देशित किया है। पूजा हेगड़े, तब्बू जयराम, सुशांत निवेदा, पेतुराज समुद्रकानी, गोविंद पच्चा सूर्या, सचिन खेड़कर, मुरली शर्मा, रोहिणी नवदीप, सुनील हर्षवर्धन, वेनला किशोर, अजय जैसे कलाकारों की टुकड़ी के साथ फिल्म में अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में हैं और राजेंद्र प्रसाद अन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसका निर्माण अल्लू अरविंद और एक राधाकृष्ण ने क्रमश अपने बैनर गीता आर्ट्स और हरिकम और हसीन क्रिएशंस के तहत किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो अल्लू अर्जुन बंटू के रूप में हैं, पूजा हेगड़े अमूल्य अम्मू के रूप में बंटू की प्रेमिका, तब्बू यशोदा यासु बंटू की जैविक माँ और राज की पालक माँ के रूप में हैं। रामचंद्र के रूप में जयराम बंटू के जैविक पिता और राज के पालक पिता हैं। सुशांत के रूप में राज मनोहर राज है। नंदिनी नंदू के रूप में निवेथान पुथुराज राज की प्रेमिका है, काशीराम की बेटी। समुद्रकानी अप्पालाम नायडू के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो यह बताया गया कि त्रिविक्रम श्रीनिवास अल्लू अर्जुन के साथ एक नई फिल्म का निर्देशन करेंगे, जो अरविंद समिताम वीरा राघव 2018 की रिलीज के बाद होंगी। पटकथा सुनने के बाद यह बताया गया कि अल्लू अर्जुन ने त्रिविक्रम को कुछ बदलाव करने की सलाह दी थी। शिष्यों की अदला बदली का विचार पहले वेदांतम राघवैया की इंटी गुट्टू 1958 में किया गया था, जिसमें NT रामा राव और सवित्री ने अभिनय किया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो अपने थिएटर रन के अंत तक फिल्म दुनिया भर में 280 करोड़ की कमाई करने में सफल रही, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म ने दुनिया भर के वितरकों को कमाई की
63.17 करोड़ का हिस्सा है। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस मतलब ऑनलाइन किस किस ने रिस्पॉन्स किए इस फिल्म के बारे में, तो फिल्म को विशेष रूप से अल्लू अर्जुन, संगीत स्कोर, पटकथा और पटकथा के प्रदर्शन के लिए ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, जबकि फिल्म की अनुमानित कहानी और कथा की आलोचना की गई है। बात करें समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटो ने 5 समीक्षकों के आधार पर 100% की स्वीकृति रेटिंग की। रचनाधीन फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कि अल्लू आला वैकंठा मनपुरलो काफ़ी हद तक मनोरंजक और आकर्षक दोनों हैं। हालांकि इसकी खांचे को खोजने से पहले इसमें काफ़ी समय लगता है। कोई इस बारे में बहुत बहस कर सकता है कि फिल्म की गति किसी है फिल्म को फिल्म हो सकती थी और अगर पत्रों के एक समूह को खाने के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने का एक बेहतर तरीका होगा। लेकिन जब त्रिविक्रम कहानी सुनना समाप्त करता है तो वह आपको एक सुखद एहसास देता है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब OTT प्लेटफॉर्म जहां पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं, तो फिल्म के उपग्रह और डिजिटल अधिकार केवल जेमिनी टीवी को बेचे गए थे। फिल्म का डिजिटल प्रीमियर 27 फरवरी 2020 को सन NXT पर हुआ। इसके थिएटर रन के 49 दिनों के बाद उसी दिन निर्माताओं ने फिल्म को नेटफ्लिक्स के माध्यम से स्ट्रीमिंग अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ मलयालम डब संस्करण के साथ अंगू वैकुंठपुरमुलो को 4 मार्च 2020 को मंच के माध्यम से जारी किया। फिल्म का विश्व टेलीविजन प्रीमियर 16 अगस्त 2020 को जेमिनी टीवी और जेमिनी मूवीज के माध्यम से हुआ। वैकुंठपुरम नामक तमिल डब संस्करण का सन टीवी पर प्रीमियर हुआ। इसने 29.4 रेटिंग के साथ एक रिकॉर्ड TRP दर्ज की, जो अब तक की एक तेलुगु फिल्म के लिए उच्चतम है। 13 फरवरी 2022 को डिनचेक टीवी चैनल पर हिंदी डब संस्करण का प्रीमियर हुआ था। आला वैकुंठपुरमुलु, जिसे परमभिकवाद AVPL द्वारा भी जाना जाता है, एक 2020 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे त्रिविक्रम श्रीनिवास ने लिखा और निर्देशित किया है। पूजा हेगड़े, तब्बू जयराम, सुशांत निवेदाम, पेतुराज समुद्रकानी, गोविंद पच्चा सूर्याम, सचिन खेड़कर, मुरली शर्मा, रोहिणी नवदीप, सुनील हर्षवर्धन, वेनला किशोर, अजय जैसे कलाकारों की टुकड़ी के साथ फिल्म में अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में है और राजेंद्र प्रसाद अन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसका निर्माण अल्लू अरविंद और एक एस राधाकृष्ण ने क्रमशः अपने बैनर गीता आर्ट्स और हरिकम और हसीन क्रिएशंस के तहत किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो अल्लू अर्जुन बंटू के रूप में हैं, पूजा हेगड़े अमूल्य अम्मू के रूप में बंटू की प्रेमिका, तब्बू यशोदा यासु बंटू की जैविक माँ और राज की पालक माँ के रूप में हैं, रामचंद्र के रूप में जयराम बंटू के जैविक पिता और राज के पालक पिता हैं, सुशांत के रूप में राज मनोहर राज है, नंदिनी नंदू के रूप में निवेथाम पुथुराज राज की प्रेमिका है, काशीराम की बेटी, समुद्रकानी अप्पालाम नायडू के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो यह बताया गया कि त्रिविक्रम श्रीनिवास अल्लू अर्जुन के साथ एक
नई फिल्म का निर्देशन करेंगी जो अरविंद समितम वीरा राघव 2018 की रिलीज के बाद होंगी। पटकथा सुनने के बाद यह बताया गया कि अल्लू अर्जुन ने त्रिविक्रम को कुछ बदलाव करने की सलाह दी थी। शिष्यों की अदला बदली का विचार पहले वेदांतम राघवैया की इंटी गुट्टू 1958 में किया गया था, जिसमें एन टी रामा राव और सवित्री ने अभिनय किया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो अपने थिएटर रन के अंत तक फिल्म दुनिया भर में 262 करोड़ से 280 करोड़ की कमाई करने में सफल रही, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म ने दुनिया भर के वितरकों को कमाई की 163.17 करोड़ का हिस्सा है। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस मतलब ऑनलाइन किस किस ने रिस्पॉन्स किए इस फिल्म के बारे में तो फिल्म को विशेष रूप से अल्लू अर्जुन संगीत स्कोर पटकथा और पटकथा के प्रदर्शन के लिए ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, जबकि फिल्म की अनुमानित कहानी और कथा की आलोचना की गई है। बात करें समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटो ने 5 समीक्षकों के आधार पर 100% की स्वीकृति रेटिंग की रचना दी। फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दी और लिखा कि अल्लू आला वैकंठा मनपुरलो काफ़ी हद तक मनोरंजक और आकर्षक दोनों हैं। हालांकि इसके खांचे को खोजने से पहले इसमें काफ़ी समय लगता है। कोई इस बारे में बहुत बहस कर सकता है कि फिल्म की गति किसी है फिल्म हो सकती थी और अगर पत्रों के एक समूह को खाने के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने का एक बेहतर तरीका होगा, लेकिन जब त्रिविक्रम कहानी सुनना समाप्त करता है तो वह आपको एक सुखद एहसास देता है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं तो फिल्म के उपग्रह और डिजिटल अधिकार केवल जेमिनी टीवी को बेचे गए थे। फिल्म का डिजिटल प्रीमियर 27 फरवरी 2020 को सन एनएक्सटी पर हुआ। इसके थिएटर रन के 49 दिनों के बाद उसी दिन निर्माताओं ने फिल्म को नेटफ्लिक्स के माध्यम से स्ट्रीमिंग अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ मलयालम डब संस्करण के साथ अंगू वैकुंठपुरमुलु को 4 मार्च 2020 को मंच के माध्यम से जारी किया। फिल्म का विश्व टेलीविजन प्रीमियर 16 अगस्त 2020 को जेमिनी टीवी और जेमिनी मूवीज के माध्यम से हुआ। वैकुंठपुरमु नामक तमिल डब संस्करण का सन टीवी पर प्रीमियर हुआ। इसने 29.4 रेटिंग के साथ एक रिकॉर्ड टीआरपी दर्ज की, जो अब तक की एक तेलुगु फिल्म के लिए उच्चतम है। 13 फरवरी 2022 को डिनचेक टीवी चैनल पर हिंदी डब संस्करण का प्रीमियर हुआ था। आला वैकुंठपुरमुलु जिसे परमभिकवाद AVPL द्वारा भी जाना जाता है एक 2020 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे त्रिविक्रम श्रीनिवास ने लिखा और निर्देशित किया है। पूजा हेगड़े, तब्बू जयराम, सुशांत निवेदाम, पेथुराज समुद्रकानी, गोविंद पाचा सूर्याम, सचिन खेड़कर, मुरली शर्मा, रोहिणी नवदीप, सुनील हर्षवर्धन, वेनाला किशोर, अजय जैसे कलाकारों की टुकड़ी के साथ फिल्म में अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में हैं और राजेंद्र प्रसाद अन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसका निर्माण अल्लू
अरविंद और एक एस राधा कृष्ण ने क्रमश अपने बैनर गीता आर्ट्स और हरिकम और हसीन क्रिएशंस के तहत किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो अल्लू अर्जुन बंडू के रूप में हैं, पूजा हेगड़े अमूल्य अम्मू के रूप में, बंडू की प्रेमिका तब्बू यशोदा, यासु बंटू की जैविक माँ और राज की पालक माँ के रूप में हैं, रामचंद्र के रूप में जयराम बंडू के जैविक पिता और राज के पालक पिता हैं, सुशांत के रूप में राज मनोहर राज है, नंदिनी नंदू के रूप में निवेथा पुथुराज राज की प्रेमिका है, काशीराम की बेटी समुद्र कानी अप्पालाम नायडू के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो यह बताया गया कि त्रिविक्रम श्रीनिवास अल्लू अर्जुन के साथ एक नई फिल्म का निर्देशन करेंगे जो अरविंद समिता वीरा राघव 2018 की रिलीज के बाद होंगी। पटकथा सुनने के बाद यह बताया गया कि अल्लू अर्जुन ने त्रिविक्रम को कुछ बदलाव करने की सलाह दी थी। शिष्यों की अदला बदली का विचार पहले वेदांतम राघवैया की इंटी गुट्टू 1958 में किया गया था, जिसमें एन टी रामा राव और सवित्री ने अभिनय किया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो अपने थिएटर रन के अंत तक फिल्म दुनिया भर में 262 करोड़ से 280 करोड़ की कमाई करने में सफल रही, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म ने दुनिया भर के वितरकों को कमाई की 163.17 करोड़ का हिस्सा है। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस मतलब ऑनलाइन किस किस ने रिस्पॉन्स किए इस फिल्म के बारे में तो फिल्म को विशेष रूप से अल्लू अर्जुन संगीत स्कोर पटकथा और पटकथा के प्रदर्शन के लिए ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, जबकि फिल्म की अनुमानित कहानी और कथा की आलोचना की गई है। बात करें समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटो ने 5 समीक्षकों के आधार पर 100% की स्वीकृति रेटिंग की रचना दी। फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दी और लिखा कि अल्लू आला वैकंठा मनपुरलो काफ़ी हद तक मनोरंजक और आकर्षक दोनों हैं, हालांकि इसके खांचे को खोजने से पहले इसमें काफ़ी समय लगता है। कोई इस बारे में बहुत बहस कर सकता है कि फिल्म की गति किसी है फिल्म को फिल्म हो सकती थी, और अगर पत्रों के एक समूह को खाने के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने का एक बेहतर तरीका होगा, लेकिन जब त्रिविक्रम कहानी सुनना समाप्त करता है तो वह आपको एक सुखद एहसास देता है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब OTT प्लेटफॉर्म जहां पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं तो फिल्म के उपग्रह और डिजिटल अधिकार केवल जेमिनी टीवी को बेचे गए थे। फिल्म का डिजिटल प्रीमियर 27 फरवरी 2020 को सन टी पर हुआ। इसके थिएटर रन के 49 दिनों के बाद उसी दिन निर्माताओं ने फिल्म को नेटफ्लिक्स के माध्यम से स्ट्रीमिंग अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ मलयालम डब संस्करण के साथ अंगू वैकुंठपुरमुलु को 4 मार्च 2020 को मंच के माध्यम से जारी किया। फिल्म का विश्व टेलीविजन प्रीमियर 16 अगस्त 2020 को जेमिनी टीवी और जेमिनी मूवीज के माध्यम से हुआ। वैकुंठपुरम नामक तमिल डब संस्करण का सन टीवी पर प्रीमियर हुआ। इसने 29.4 रेटिंग के साथ एक रिकॉर्ड TRP
दर्ज की, जो अब तक की एक तेलुगु फिल्म के लिए उच्चतम है। 13 फरवरी 2022 को डिनचेक टीवी चैनल पर हिंदी डब संस्करण का प्रीमियर हुआ था। आला वैकुंठ पुरमुलु, जिसे प्रारंभिक वाद AVPL द्वारा भी जाना जाता है, एक 2020 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे त्रिविक्रम श्रीनिवास ने लिखा और निर्देशित किया है। पूजा हेगड़े, तब्बू जयराम, सुशांत निवेदाम, पेतुराज समुद्रकानी, गोविंद पच्च सूर्याम, सचिन खेड़कर, मुरली शर्मा, रोहिणी नवदीप, सुनील हर्षवर्धन, वेनला किशोर, अजय जैसे कलाकारों की टुकड़ी के साथ फिल्म में अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में हैं और राजेंद्र प्रसाद अन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसका निर्माण अल्लू अरविंद और एक एस राधाकृष्ण ने क्रमश अपने बैनर गीता आर्ट्स और हरिकम और हसीन क्रिएशंस के तहत किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो अल्लू अर्जुन बंटू के रूप में हैं, पूजा हेगड़े अमूल्य अम्मू के रूप में बंटू की प्रेमिका, तब्बू यशोदा यासु बंटू की जैविक माँ और राज की पालक माँ के रूप में हैं। रामचंद्र के रूप में जयराम बंटू के जैविक पिता और राज के पालक पिता हैं। सुशांत के रूप में राज मनोहर राज है। नंदिनी नंदू के रूप में निवेथान पुथुराज राज की प्रेमिका है, काशीराम की बेटी। समुद्रकानी अप्पालाम नायडू के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो यह बताया गया कि त्रिविक्रम श्रीनिवास अल्लू अर्जुन के साथ एक नई फिल्म का निर्देशन करेंगे, जो अरविंद समितम वीरा राघव 2018 की रिलीज के बाद होंगी। पटकथा सुनने के बाद यह बताया गया कि अल्लू अर्जुन ने त्रिविक्रम को कुछ बदलाव करने की सलाह दी थी। शिष्यों की अदला बदली का विचार पहले वेदांतम राघवैया की इंटी गुट्टू 1958 में किया गया था, जिसमें NT रामा राव और सवित्री ने अभिनय किया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो अपने थिएटर रन के अंत तक फिल्म दुनिया भर में 262 करोड़ से 280 करोड़ की कमाई करने में सफल रही, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म ने दुनिया भर के वितरकों को कमाई की 163.17 करोड़ का हिस्सा है। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस, मतलब ऑनलाइन किस किस ने रिस्पॉन्स किए इस फिल्म के बारे में तो फिल्म को विशेष रूप से अल्लू अर्जुन संगीत स्कोर पटकथा और पटकथा के प्रदर्शन के लिए ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, जबकि फिल्म की अनुमानित कहानी और कथा की आलोचना की गई है। बात करें समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटो ने 5 समीक्षकों के आधार पर 100% की स्वीकृति रेटिंग की रचना दी। फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दी और लिखा कि अल्लू आला वैकंठा मनपुरलो काफ़ी हद तक मनोरंजक और आकर्षक दोनों हैं, हालांकि इसकी खांचे को खोजने से पहले इसमें काफ़ी समय लगता है। कोई इस बारे में बहुत बहस कर सकता है कि फिल्म की गति किसी है फिल्म को फिल्म हो सकती थी, और अगर पत्रों के एक समूह को खाने के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने का एक बेहतर तरीका होगा। लेकिन जब त्रिविक्रम कहानी सुनना समाप्त करता है तो वह आपको एक सुखद एहसास देता है। बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब OTT प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं, तो
फिल्म के उपग्रह और डिजिटल अधिकार केवल जेमिनी टीवी को बेचे गए थे। फिल्म का डिजिटल प्रीमियर 27 फरवरी 2020 को सन एनएक्सटी पर हुआ। इसके थिएटर रन के 49 दिनों के बाद उसी दिन निर्माताओं ने फिल्म को नेटफ्लिक्स के माध्यम से स्ट्रीमिंग अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ मलयालम डब संस्करण के साथ अंगु वैकुंठपुरमुलु को 4 मार्च 2020 को मंच के माध्यम से जारी किया। फिल्म का विश्व टेलीविजन प्रीमियर 16 अगस्त 2020 को जेमिनी टीवी और जेमिनी मूवीज के माध्यम से हुआ। वैकुंठपुरमु नामक तमिल डब संस्करण का सन टीवी पर प्रीमियर हुआ। इसने 29.4 रेटिंग के साथ एक रिकॉर्ड टीआरपी दर्ज की, जो अब तक की एक तेलुगु फिल्म के लिए उच्चतम है। 13 फरवरी 2022 को डिनचेक टीवी चैनल पर हिंदी डब संस्करण का प्रीमियर हुआ था। आला वैकुंठपुरमुलु, जिसे परमभिकवाद AVPL द्वारा भी जाना जाता है, एक 2020 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे त्रिविक्रम श्रीनिवास ने लिखा और निर्देशित किया है। पूजा हेगड़े, तब्बू जयराम, सुशांत निवेदाम, पेतुराज समुद्रकानी, गोविंद पाचासुर्याम, सचिन खेड़कर, मुरली शर्मा, रोहिणी नवदीप, सुनील हर्षवर्धन, वेनला किशोर, अजय जैसे कलाकारों की टुकड़ी के साथ फिल्म में अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में है और राजेंद्र प्रसाद अन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसका निर्माण अल्लू अरविंद और एक एस राधाकृष्ण ने क्रमशः अपने बैनर गीता आर्ट्स और हरिकम और हसीन क्रिएशंस के तहत किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो अल्लू अर्जुन बंडू के रूप में हैं, पूजा हेगड़े अमूल्य अम्मू के रूप में बंडू की प्रेमिका, तब्बू यशोदा यासु बंटू की जैविक माँ और राज की पालक माँ के रूप में हैं। रामचंद्र के रूप में जयराम बंटू के जैविक पिता और राज के पालक पिता हैं। सुशांत के रूप में राज मनोहर राज है। नंदिनी नंदू के रूप में निवेथाम पुथुराज राज की प्रेमिका है, काशीराम की बेटी। समुद्रकानी अप्पालाम नायडू के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो यह बताया गया कि त्रिविक्रम श्रीनिवास अल्लू अर्जुन के साथ एक नई फिल्म का निर्देशन करेंगे, जो अरविंद समितम वीरा राघव 2018 की रिलीज के बाद होंगी। पटकथा सुनने के बाद यह बताया गया कि अल्लू अर्जुन ने त्रिविक्रम को कुछ बदलाव करने की सलाह दी थी। शिष्यों की अदला बदली का विचार पहले वेदांतम राघवैया की इंटी गुट्टू 1958 में किया गया था, जिसमें एन टी रामा राव और सवित्री ने अभिनय किया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो अपने थिएटर रन के अंत तक फिल्म दुनिया भर में 262 करोड़ से 280 करोड़ की कमाई करने में सफल रही, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म ने दुनिया भर के वितरकों को कमाई की 163.17 करोड़ का हिस्सा है। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस, मतलब ऑनलाइन किस किस ने रिस्पॉन्स किए इस फिल्म के बारे में, तो फिल्म को विशेष रूप से अल्लू अर्जुन संगीत स्कोर पटकथा और पटकथा के प्रदर्शन के लिए ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, जबकि फिल्म की अनुमानित कहानी और कथा की आलोचना की गई है। बात करें समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटो ने 5 समीक्षकों के आधार पर 100 की
100% की स्वीकृति रेटिंग की रचनाधीन फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि अल्लू आला वैकंठा मनपुरलो काफ़ी हद तक मनोरंजक और आकर्षक दोनों हैं। हालांकि इसके खांचे को खोजने से पहले इसमें काफ़ी समय लगता है। कोई इस बारे में बहुत बहस कर सकता है कि फिल्म की गति किसी है फिल्म को फिल्म हो सकती थी और अगर पत्रों के एक समूह को खाने के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने का एक बेहतर तरीका होगा। लेकिन जब त्रिविक्रम कहानी सुनना समाप्त करता है तो वह आपको एक सुखद एहसास देता है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब OTT प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं तो फिल्म के उपग्रह और डिजिटल अधिकार केवल जेमिनी टीवी को बेचे गए थे। फिल्म का डिजिटल प्रीमियर 27 फरवरी 2020 को सन NXT पर हुआ। इसके थिएटर रन के 49 दिनों के बाद उसी दिन निर्माताओं ने फिल्म को नेटफ्लिक्स के माध्यम से स्ट्रीमिंग अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ मलयालम डब संस्करण के साथ अंगू वैकुंठपुरमुलु को 4 मार्च 2020 को मंच के माध्यम से जारी किया। फिल्म का विश्व टेलीविजन प्रीमियर 16 अगस्त 2020 को जेमिनी टीवी और जेमिनी मूवीज के माध्यम से हुआ। वैकुंठपुरमु नामक तमिल डब संस्करण का सन टीवी पर प्रीमियर हुआ। इसने 29.4 रेटिंग के साथ एक रिकॉर्ड TRP दर्ज की जो अब तक की एक तेलुगु फिल्म के लिए उच्चतम है। 13 फरवरी 2022 को डिनचेक टीवी चैनल पर हिंदी डब संस्करण का प्रीमियर हुआ था। आला वैकुंठपुरमुलु जिसे प्रारंभिक वाद AVPL द्वारा भी जाना जाता है एक 2020 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे त्रिविक्रम श्रीनिवास ने लिखा और निर्देशित किया है। पूजा हेगड़े तब्बू जयराम सुशांत निवेदाम पेथुराज समुद्रकानी गोविंद पच्चा सूर्याम सचिन खेड़कर मुरली शर्मा रोहिणी नवदीप सुनील हर्षवर्धन वेनला किशोर अजय जैसे कलाकारों की टुकड़ी के साथ फिल्म में अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में हैं और राजेंद्र प्रसाद अन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसका निर्माण अल्लू अरविंद और एक एस राधाकृष्ण ने क्रमश अपने बैनर गीता आर्ट्स और हरिकम और हसीन क्रिएशंस के तहत किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो अल्लू अर्जुन बंटू के रूप में हैं, पूजा हेगड़े अमूल्य अम्मू के रूप में बंटू की प्रेमिका, तब्बू यशोदा यासु बंटू की जैविक माँ और राज की पालक माँ के रूप में हैं। रामचंद्र के रूप में जयराम बंटू के जैविक पिता और राज के पालक पिता हैं। सुशांत के रूप में राज मनोहर राज है। नंदिनी नंदू के रूप में निवेथाम पुथुराज राज की प्रेमिका है, काशीराम की बेटी। समुद्रकानी अप्पालाम नायडू के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो यह बताया गया कि त्रिविक्रम श्रीनिवास अल्लू अर्जुन के साथ एक नई फिल्म का निर्देशन करेंगे जो अरविंद समिताम वीरा राघव 2018 की रिलीज के बाद होगी। पटकथा सुनने के बाद यह बताया गया कि अल्लू अर्जुन ने त्रिविक्रम को कुछ बदलाव करने की सलाह दी थी। शिष्यों की अदला बदली का विचार पहले वेदांतम राघवैया की इंटी गुट्टू 1958 में किया गया था।
जिसमें एन टी रामा राव और सावित्री ने अभिनय किया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो अपने थिएटर रन के अंत तक फिल्म दुनिया भर में 262 करोड़ से 280 करोड़ की कमाई करने में सफल रही, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म ने दुनिया भर के वितरकों को कमाई की 163.17 करोड़ का हिस्सा है। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस, मतलब ऑनलाइन किस किस ने रिस्पॉन्स किए इस फिल्म के बारे में, तो फिल्म को विशेष रूप से अल्लू अर्जुन संगीत स्कोर पटकथा और पटकथा के प्रदर्शन के लिए ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, जबकि फिल्म की अनुमानित कहानी और कथा की आलोचना की गई है। बात करें समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटो ने 5 समीक्षकों के आधार पर 100% की स्वीकृति रेटिंग की रचना दी। फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दी और लिखा कि अल्लू आला वैकंठा मनपुरलो काफ़ी हद तक मनोरंजक और आकर्षक दोनों हैं। हालांकि इसके खांचे को खोजने से पहले इसमें काफ़ी समय लगता है। कोई इस बारे में बहुत बहस कर सकता है कि फिल्म की गति किसी है फिल्म को फिल्म हो सकती थी, और अगर पत्रों के एक समूह को खाने के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने का एक बेहतर तरीका होगा। लेकिन जब त्रिविक्रम कहानी सुनना समाप्त करता है तो वह आपको एक सुखद एहसास देता है। बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब OTT प्लेटफॉर्म जहां पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं, तो फिल्म के उपग्रह और डिजिटल अधिकार केवल जेमिनी टीवी को बेचे गए थे। फिल्म का डिजिटल प्रीमियर 27 फरवरी 2020 को सन NXT पर हुआ। इसके थिएटर रन के 49 दिनों के बाद उसी दिन निर्माताओं ने फिल्म को नेटफ्लिक्स के माध्यम से स्ट्रीमिंग अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ मलयालम डब संस्करण के साथ अंगू वैकुंठपुरमुलु को 4 मार्च 2020 को मंच के माध्यम से जारी किया। फिल्म का विश्व टेलीविजन प्रीमियर 16 अगस्त 2020 को जेमिनी टीवी और जेमिनी मूवीज के माध्यम से हुआ। वैकुंठपुरमु नामक तमिल डब संस्करण का सन टीवी पर प्रीमियर हुआ। इसने 29.4 रेटिंग के साथ एक रिकॉर्ड TRP दर्ज की, जो अब तक की एक तेलुगु फिल्म के लिए उच्चतम है। 13 फरवरी 2022 को डिनचेक टीवी चैनल पर हिंदी डब संस्करण का प्रीमियर हुआ था। आला वैकुंठपुरमुलु, जिसे परमभिकवाद AVPL द्वारा भी जाना जाता है, एक 2020 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे त्रिविक्रम श्रीनिवास ने लिखा और निर्देशित किया है। पूजा हेगड़े, तब्बू जयराम, सुशांत, निवेदा पेतुराज, समुद्रकानी, गोविंद पाचा सूर्या, सचिन खेड़कर, मुरली शर्मा, रोहिणी नवदीप, सुनील हर्षवर्धन, वेनला किशोर, अजय जैसे कलाकारों की टुकड़ी के साथ फिल्म में अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में हैं और राजेंद्र प्रसाद अन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसका निर्माण अल्लू अरविंद और एस राधाकृष्ण ने क्रमशः अपने बैनर गीता आर्ट्स और हरिकम और हसीन क्रिएशंस के तहत किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो अल्लू अर्जुन बंडू के रूप में हैं, पूजा हेगड़े अमूल्य अम्मू के रूप में बंडू की प्रेमिका, तब्बू यशोदा यासु बंटू की जैविक माँ और राज की पालक माँ के रूप में हैं,
रामचंद्र के रूप में जयराम बंटू के जैविक पिता और राज के पालक पिता हैं। सुशांत के रूप में राज मनोहर राज है। नंदिनी नंदू के रूप में निवेथान पुथुराज राज की प्रेमिका है। काशीराम की बेटी समुद्र कानी अप्पालाम नायडू के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो यह बताया गया कि त्रिविक्रम श्रीनिवास अल्लू अर्जुन के साथ एक नई फिल्म का निर्देशन करेंगे जो अरविंद समितम वीरा राघव 2018 की रिलीज के बाद होंगी। पटकथा सुनने के बाद यह बताया गया कि अल्लू अर्जुन ने त्रिविक्रम को कुछ बदलाव करने की सलाह दी थी। शिष्यों की अदला बदली का विचार पहले वेदांतम राघवैया की इंटी गुट्टू 1958 में किया गया था जिसमें एन टी रामा राव और सवित्री ने अभिनय किया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो अपने थिएटर रन के अंत तक फिल्म दुनिया भर में 262 करोड़ से 280 करोड़ की कमाई करने में सफल रही जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म ने दुनिया भर के वितरकों को कमाई की 163.17 करोड़ का हिस्सा है। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस मतलब ऑनलाइन किस किस ने रिस्पॉन्स किए इस फिल्म के बारे में तो फिल्म को विशेष रूप से अल्लू अर्जुन संगीत स्कोर पटकथा और पटकथा के प्रदर्शन के लिए ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली जबकि फिल्म की अनुमानित कहानी और कथा की आलोचना की गई है। बात करें समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटो ने 5 समीक्षकों के आधार पर 100% की स्वीकृति रेटिंग की रचना दी। फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दी और लिखा कि अल्लू आला वैकंठा मरपुरोलो काफ़ी हद तक मनोरंजक और आकर्षक दोनों हैं। हालांकि इसके खांचे को खोजने से पहले इसमें काफ़ी समय लगता है। कोई इस बारे में बहुत बहस कर सकता है कि फिल्म की गति किसी है फिल्म को फिल्म हो सकती थी और अगर पत्रों के एक समूह को खाने के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने का एक बेहतर तरीका होगा। लेकिन जब त्रिविक्रम कहानी सुनना समाप्त करता है तो वह आपको एक सुखद एहसास देता है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब OTT प्लेटफॉर्म जहां पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं तो फिल्म के उपग्रह और डिजिटल अधिकार केवल जेमिनी टीवी को बेचे गए थे। फिल्म का डिजिटल प्रीमियर 27 फरवरी 2020 को सन NXT पर हुआ। इसके थिएटर रन के 49 दिनों के बाद उसी दिन निर्माताओं ने फिल्म को नेटफ्लिक्स के माध्यम से स्ट्रीमिंग अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ मलयालम डब संस्करण के साथ अंगू वैकुंठपुरमुलो को 4 मार्च 2020 को मंच के माध्यम से जारी किया। फिल्म का विश्व टेलीविजन प्रीमियर 16 अगस्त 2020 को जेमिनी टीवी और जेमिनी मूवीज के माध्यम से हुआ। वैकुंठपुरम नामक तमिल डब संस्करण का सन टीवी पर प्रीमियर हुआ। इसने 29.4 रेटिंग के साथ एक रिकॉर्ड TRP दर्ज की जो अब तक की एक तेलुगु फिल्म के लिए उच्चतम है। 13 फरवरी 2022 को डिनचेक टीवी चैनल पर हिंदी डब संस्करण का प्रीमियर हुआ था। आला वैकुंठ पुरमुलु जिसे प्रारंभिक वाद AVPL द्वारा भी जाना जाता है एक 2020 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे त्रिविक्रम श्रीनिवास ने लिखा और निर्देशित किया है।
पूजा हेगड़े, तब्बू, जयराम, सुशांत, निवेदा, पेतुराज, समुद्रकानी, गोविंद पाचासूर्या, सचिन खेड़कर, मुरली शर्मा, रोहिणी नवदीप, सुनील हर्षवर्धन, वेनला किशोर, अजय जैसे कलाकारों की टुकड़ी के साथ फिल्म में अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में है और राजेंद्र प्रसाद अन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसका निर्माण अल्लू अरविंद और एक एस राधाकृष्ण ने क्रमशः अपने बैनर गीता आर्ट्स और हरिकम और हसीन क्रिएशंस के तहत किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो अल्लू अर्जुन बंडू के रूप में हैं, पूजा हेगड़े अमूल्य अम्मू के रूप में, बंटू की प्रेमिका, तब्बू यशोदा यासु बंटू की जैविक माँ और राज की पालक माँ के रूप में हैं, रामचंद्र के रूप में जयराम बंटू के जैविक पिता और राज के पालक पिता हैं, सुशांत के रूप में राज मनोहर राज है, नंदिनी नंदू के रूप में निवेदा पुथुराज राज की प्रेमिका है, काशीराम की बेटी, समुद्रकानी अप्पालाम नायडू के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो यह बताया गया कि त्रिविक्रम श्रीनिवास अल्लू अर्जुन के साथ एक नई फिल्म का निर्देशन करेंगी जो अरविंद समिताम वीरा राघव 2018 की रिलीज के बाद होंगी। पटकथा सुनने के बाद यह बताया गया कि अल्लू अर्जुन ने त्रिविक्रम को कुछ बदलाव करने की सलाह दी थी। शिष्यों की अदला बदली का विचार पहले वेदांतम राघवैया की इंटी गुट्टू 1958 में किया गया था, जिसमें एन टी रामा राव और सवित्री ने अभिनय किया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो अपने थिएटर रन के अंत तक फिल्म दुनिया भर में 262 करोड़ से 280 करोड़ की कमाई करने में सफल रही, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म ने दुनिया भर के वितरकों को कमाई की 163.17 करोड़ का हिस्सा है। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस मतलब ऑनलाइन किस किस ने रिस्पॉन्स किए इस फिल्म के बारे में तो फिल्म को विशेष रूप से अल्लू अर्जुन संगीत स्कोर पटकथा और पटकथा के प्रदर्शन के लिए ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, जबकि फिल्म की अनुमानित कहानी और कथा की आलोचना की गई है। बात करें समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटो ने 5 समीक्षकों के आधार पर 100% की स्वीकृति रेटिंग की रचना दी। फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दी और लिखा कि अल्लू आला वैकंठा मनपुरलो काफ़ी हद तक मनोरंजक और आकर्षक दोनों हैं, हालांकि इसके खांचे को खोजने से पहले इसमें काफ़ी समय लगता है। कोई इस बारे में बहुत बहस कर सकता है कि फिल्म की गति किसी है फिल्म हो सकती थी और अगर पत्रों के एक समूह को खाने के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने का एक बेहतर तरीका होगा, लेकिन जब त्रिविक्रम कहानी सुनना समाप्त करता है तो वह आपको एक सुखद एहसास देता है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं तो फिल्म के उपग्रह और डिजिटल अधिकार केवल जेमिनी टीवी को बेचे गए थे। फिल्म का डिजिटल प्रीमियर 27 फरवरी 2020 को सन एनएक्सटी पर हुआ। इसके थिएटर रन के 49 दिनों के बाद उसी दिन निर्माताओं ने फिल्म को नेटफ्लिक्स के माध्यम से स्ट्रीमिंग अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ मलयालम डब संस्करण के साथ
अंगु वैकुंठपुरमुलो को 4 मार्च 2020 को मंच के माध्यम से जारी किया। फिल्म का विश्व टेलीविजन प्रीमियर 16 अगस्त 2020 को जेमिनी टीवी और जेमिनी मूवीज के माध्यम से हुआ। वैकुंठपुरम नामक तमिल डब संस्करण का सन टीवी पर प्रीमियर हुआ। इसने 29.4 रेटिंग के साथ एक रिकॉर्ड टीआरपी दर्ज की, जो अब तक की एक तेलुगु फिल्म के लिए उच्चतम है। 13 फरवरी 2022 को डिनचेक टीवी चैनल पर हिंदी डब संस्करण का प्रीमियर हुआ था। आला वैकुंठ पुरमुलु, जिसे प्रारंभिक वाद AVPL द्वारा भी जाना जाता है, एक 2020 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे त्रिविक्रम श्रीनिवास ने लिखा और निर्देशित किया है। पूजा हेगड़े, तब्बू जयराम, सुशांत निवेदाम, पेथुराज समुद्रकानी, गोविंद पच्चा सूर्याम, सचिन खेड़कर, मुरली शर्मा, रोहिणी नवदीप, सुनील हर्षवर्धन, वेनाला किशोर, अजय जैसे कलाकारों की टुकड़ी के साथ फिल्म में अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में हैं और राजेंद्र प्रसाद अन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसका निर्माण अल्लू अरविंद और एक एस राधाकृष्ण ने क्रमश अपने बैनर गीता आर्ट्स और हरिकम और हसीन क्रिएशंस के तहत किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो अल्लू अर्जुन बंडू के रूप में हैं, पूजा हेगड़े अमूल्य अम्मू के रूप में बंटू की प्रेमिका, तब्बू यशोदा यासु बंटू की जैविक माँ और राज की पालक माँ के रूप में हैं। रामचंद्र के रूप में जयराम बंटू के जैविक पिता और राज के पालक पिता हैं। सुशांत के रूप में राज मनोहर राज है। नंदिनी नंदू के रूप में निवेथाम पुथुराज राज की प्रेमिका है, काशीराम की बेटी। समुद्रकानी अप्पालाम नायडू के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो यह बताया गया कि त्रिविक्रम श्रीनिवास अल्लू अर्जुन के साथ एक नई फिल्म का निर्देशन करेंगे, जो अरविंद समिताम वीरा राघव 2018 की रिलीज के बाद होंगी। पटकथा सुनने के बाद यह बताया गया कि अल्लू अर्जुन ने त्रिविक्रम को कुछ बदलाव करने की सलाह दी थी। शिष्यों की अदला बदली का विचार पहले वेदांतम राघवैया की इंटी गुट्टू 1958 में किया गया था, जिसमें एन टी रामा राव और सवित्री ने अभिनय किया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो अपने थिएटर रन के अंत तक फिल्म दुनिया भर में 262 करोड़ से 280 करोड़ की कमाई करने में सफल रही, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म ने दुनिया भर के वितरकों को कमाई की 163.17 करोड़ का हिस्सा है। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस, मतलब ऑनलाइन किस किस ने रिस्पॉन्स किए इस फिल्म के बारे में, तो फिल्म को विशेष रूप से अल्लू अर्जुन संगीत स्कोर पटकथा और पटकथा के प्रदर्शन के लिए ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, जबकि फिल्म की अनुमानित कहानी और कथा की आलोचना की गई है। बात करें समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटो ने 5 समीक्षकों के आधार पर 100% की स्वीकृति रेटिंग की रचना दी। फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दी और लिखा कि अल्लू आला वैकुंठ मनपुरमुलु काफ़ी हद तक मनोरंजक और आकर्षक दोनों हैं। हालांकि इसके खांचे को खोजने से पहले इसमें काफ़ी समय लगता है। कोई इस बारे में बहुत बहस कर सकता है कि फिल्म की गति किसी
ये फिल्म को फिल्म हो सकती थी और अगर पत्रों के एक समूह को खाने के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने का एक बेहतर तरीका होगा। लेकिन जब त्रिविक्रम कहानी सुनना समाप्त करता है तो वह आपको एक सुखद एहसास देता है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब OTT प्लेटफॉर्म जहां पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं, तो फिल्म के उपग्रह और डिजिटल अधिकार केवल जेमिनी टीवी को बेचे गए थे। फिल्म का डिजिटल प्रीमियर 27 फरवरी 2020 को सन NXT पर हुआ। इसके थिएटर रन के 49 दिनों के बाद उसी दिन निर्माताओं ने फिल्म को नेटफ्लिक्स के माध्यम से स्ट्रीमिंग अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ मलयालम डब संस्करण के साथ अंगु वैकुंठपुरमुलु को 4 मार्च 2020 को मंच के माध्यम से जारी किया। फिल्म का विश्व टेलीविजन प्रीमियर 16 अगस्त 2020 को जेमिनी टीवी और जेमिनी मूवीज के माध्यम से हुआ। वैकुंठपुरमु नामक तमिल डब संस्करण का सन टीवी पर प्रीमियर हुआ। इसने 29.4 रेटिंग के साथ एक रिकॉर्ड TRP दर्ज की, जो अब तक की एक तेलुगु फिल्म के लिए उच्चतम है। 13 फरवरी 2022 को डिनचेक टीवी चैनल पर हिंदी डब संस्करण का प्रीमियर हुआ था। आला वैकुंठपुरमुलु, जिसे परमभिकवाद AVPL द्वारा भी जाना जाता है, एक 2020 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे त्रिविक्रम श्रीनिवास ने लिखा और निर्देशित किया है। पूजा हेगड़े, तब्बू जयराम, सुशांत निवेदा, पेतुराज समुद्रकानी, गोविंद पच्चा सूर्या, सचिन खेड़कर, मुरली शर्मा, रोहिणी नवदीप, सुनील हर्षवर्धन, वेनला किशोर, अजय जैसे कलाकारों की टुकड़ी के साथ फिल्म में अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में हैं और राजेंद्र प्रसाद अन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसका निर्माण अल्लू अरविंद और एक राधाकृष्ण ने क्रमश अपने बैनर गीता आर्ट्स और हरिकम और हसीन क्रिएशंस के तहत किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो अल्लू अर्जुन बंटू के रूप में हैं, पूजा हेगड़े अमूल्य अम्मू के रूप में बंटू की प्रेमिका, तब्बू यशोदा यासु बंटू की जैविक माँ और राज की पालक माँ के रूप में हैं, रामचंद्र के रूप में जयराम बंटू के जैविक पिता और राज के पालक पिता हैं, सुशांत के रूप में राज मनोहर राज है, नंदिनी नंदू के रूप में निवेथान पुथुराज राज की प्रेमिका है, काशीराम की बेटी, समुद्रकानी अप्पालाम नायडू के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो यह बताया गया कि त्रिविक्रम श्रीनिवास अल्लू अर्जुन के साथ एक नई फिल्म का निर्देशन करेंगे, जो अरविंद समिताम वीरा राघव 2018 की रिलीज के बाद होंगी। पटकथा सुनने के बाद यह बताया गया कि अल्लू अर्जुन ने त्रिविक्रम को कुछ बदलाव करने की सलाह दी थी। शिष्यों की अदला बदली का विचार पहले वेदांतम राघवैया की इंटी गुट्टू 1958 में किया गया था, जिसमें NT रामा राव और सवित्री ने अभिनय किया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो अपने थिएटर रन के अंत तक फिल्म दुनिया भर में 280 करोड़ की कमाई करने में सफल रही, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म ने दुनिया भर के वितरकों को कमाई की
63.17 करोड़ का हिस्सा है। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस मतलब ऑनलाइन किस किस ने रिस्पॉन्स किए इस फिल्म के बारे में, तो फिल्म को विशेष रूप से अल्लू अर्जुन, संगीत स्कोर, पटकथा और पटकथा के प्रदर्शन के लिए ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, जबकि फिल्म की अनुमानित कहानी और कथा की आलोचना की गई है। बात करें समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटो ने 5 समीक्षकों के आधार पर 100% की स्वीकृति रेटिंग की। रचनाधीन फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कि अल्लू आला वैकंठा मनपुरलो काफ़ी हद तक मनोरंजक और आकर्षक दोनों हैं। हालांकि इसके खांचे को खोजने से पहले इसमें काफ़ी समय लगता है। कोई इस बारे में बहुत बहस कर सकता है कि फिल्म की गति किसी है फिल्म को फिल्म हो सकती थी और अगर पत्रों के एक समूह को खाने के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने का एक बेहतर तरीका होगा। लेकिन जब त्रिविक्रम कहानी सुनना समाप्त करता है तो वह आपको एक सुखद एहसास देता है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब OTT प्लेटफॉर्म जहां पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं, तो फिल्म के उपग्रह और डिजिटल अधिकार केवल जेमिनी टीवी को बेचे गए थे। फिल्म का डिजिटल प्रीमियर 27 फरवरी 2020 को सन NXT पर हुआ। इसके थिएटर रन के 49 दिनों के बाद उसी दिन निर्माताओं ने फिल्म को नेटफ्लिक्स के माध्यम से स्ट्रीमिंग अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ मलयालम डब संस्करण के साथ अंगू वैकुंठपुरमुलु को 4 मार्च 2020 को मंच के माध्यम से जारी किया। फिल्म का विश्व टेलीविजन प्रीमियर 16 अगस्त 2020 को जेमिनी टीवी और जेमिनी मूवीज के माध्यम से हुआ। वैकुंठपुरमु नामक तमिल डब संस्करण का सन टीवी पर प्रीमियर हुआ। इसने 29.4 रेटिंग के साथ एक रिकॉर्ड TRP दर्ज की, जो अब तक की एक तेलुगु फिल्म के लिए उच्चतम है। 13 फरवरी 2022 को डिनचेक टीवी चैनल पर हिंदी डब संस्करण का प्रीमियर हुआ था। आला वैकुंठपुरमुलु, जिसे परमभिकवाद AVPL द्वारा भी जाना जाता है, एक 2020 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे त्रिविक्रम श्रीनिवास ने लिखा और निर्देशित किया है। पूजा हेगड़े, तब्बू जयराम, सुशांत निवेदाम, पेथुराज समुद्रकानी, गोविंद पाचासुर्याम, सचिन खेड़कर, मुरली शर्मा, रोहिणी नवदीप, सुनील हर्षवर्धन, वेनला किशोर, अजय जैसे कलाकारों की टुकड़ी के साथ फिल्म में अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में है और राजेंद्र प्रसाद अन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसका निर्माण अल्लू अरविंद और AS राधाकृष्ण ने क्रमशः अपने बैनर गीता आर्ट्स और हरिकम और हसीन क्रिएशंस के तहत किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो अल्लू अर्जुन बंडू के रूप में हैं, पूजा हेगड़े अमूल्य अम्मू के रूप में बंडू की प्रेमिका, तब्बू यशोदा यासु बंटू की जैविक माँ और राज की पालक माँ के रूप में हैं, रामचंद्र के रूप में जयराम बंटू के जैविक पिता और राज के पालक पिता हैं, सुशांत के रूप में राज मनोहर राज है, नंदिनी नंदू के रूप में निवेथान पुथुराज राज की प्रेमिका है, काशीराम की बेटी, समुद्रकानी अप्पालाम नायडू के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो यह बताया गया कि त्रिविक्रम श्रीनिवास अल्लू अर्जुन के साथ एक
नई फिल्म का निर्देशन करेंगी जो अरविंद समितम वीरा राघव 2018 की रिलीज के बाद होंगी। पटकथा सुनने के बाद यह बताया गया कि अल्लू अर्जुन ने त्रिविक्रम को कुछ बदलाव करने की सलाह दी थी। शिष्यों की अदला बदली का विचार पहले वेदांतम राघवैया की इंटी गुट्टू 1958 में किया गया था, जिसमें एन टी रामा राव और सवित्री ने अभिनय किया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो अपने थिएटर रन के अंत तक फिल्म दुनिया भर में 262 करोड़ से 280 करोड़ की कमाई करने में सफल रही, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म ने दुनिया भर के वितरकों को कमाई की 163.17 करोड़ का हिस्सा है। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस मतलब ऑनलाइन किस किस ने रिस्पॉन्स किए इस फिल्म के बारे में तो फिल्म को विशेष रूप से अल्लू अर्जुन संगीत स्कोर पटकथा और पटकथा के प्रदर्शन के लिए ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, जबकि फिल्म की अनुमानित कहानी और कथा की आलोचना की गई है। बात करें समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटो ने 5 समीक्षकों के आधार पर 100% की स्वीकृति रेटिंग की रचना दी। फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दी और लिखा कि अल्लू आला वैकंठा मनपुरलो काफ़ी हद तक मनोरंजक और आकर्षक दोनों हैं। हालांकि इसके खांचे को खोजने से पहले इसमें काफ़ी समय लगता है। कोई इस बारे में बहुत बहस कर सकता है कि फिल्म की गति किसी है फिल्म हो सकती थी और अगर पत्रों के एक समूह को खाने के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने का एक बेहतर तरीका होगा, लेकिन जब त्रिविक्रम कहानी सुनना समाप्त करता है तो वह आपको एक सुखद एहसास देता है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं तो फिल्म के उपग्रह और डिजिटल अधिकार केवल जेमिनी टीवी को बेचे गए थे। फिल्म का डिजिटल प्रीमियर 27 फरवरी 2020 को सन एनएक्सटी पर हुआ। इसके थिएटर रन के 49 दिनों के बाद उसी दिन निर्माताओं ने फिल्म को नेटफ्लिक्स के माध्यम से स्ट्रीमिंग अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ मलयालम डब संस्करण के साथ अंगू वैकुंठपुरमुलो को 4 मार्च 2020 को मंच के माध्यम से जारी किया। फिल्म का विश्व टेलीविजन प्रीमियर 16 अगस्त 2020 को जेमिनी टीवी और जेमिनी मूवीज के माध्यम से हुआ। वैकुंठपुरमु नामक तमिल डब संस्करण का सन टीवी पर प्रीमियर हुआ। इसने 29.4 रेटिंग के साथ एक रिकॉर्ड टीआरपी दर्ज की, जो अब तक की एक तेलुगु फिल्म के लिए उच्चतम है। 13 फरवरी 2022 को डिनचेक टीवी चैनल पर हिंदी डब संस्करण का प्रीमियर हुआ था। आला वैकुंठ पुरमुलु, जिसे प्रारंभिक वाद एवीपीएल द्वारा भी जाना जाता है, एक 2020 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे त्रिविक्रम श्रीनिवास ने लिखा और निर्देशित किया है। पूजा हेगड़े, तब्बू जयराम, सुशांत निवेदाम, पेथुराज समुद्रकानी, गोविंद पच्चा सूर्या, सचिन खेड़कर, मुरली शर्मा, रोहिणी नवदीप, सुनील हर्षवर्धन, वेनला किशोर, अजय जैसे कलाकारों की टुकड़ी के साथ फिल्म में अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में हैं और राजेंद्र प्रसाद अन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसका निर्माण अल्लू
अरविंद और एक एस राधा कृष्ण ने क्रमश अपने बैनर गीता आर्ट्स और हरिकम और हसीन क्रिएशंस के तहत किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो अल्लू अर्जुन बंटू के रूप में हैं, पूजा हेगड़े अमूल्य अम्मू के रूप में, बंटू की प्रेमिका तब्बू यशोदा यासु बंटू की जैविक माँ और राज की पालक माँ के रूप में हैं, रामचंद्र के रूप में जयराम बंटू के जैविक पिता और राज के पालक पिता हैं, सुशांत के रूप में राज मनोहर राज है, नंदिनी नंदू के रूप में निवेथा पुथुराज राज की प्रेमिका है, काशीराम की बेटी समुद्रकानी अप्पालाम नायडू के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो यह बताया गया कि त्रिविक्रम श्रीनिवास अल्लू अर्जुन के साथ एक नई फिल्म का निर्देशन करेंगे जो अरविंद समिता वीरा राघव 2018 की रिलीज के बाद होंगी। पटकथा सुनने के बाद यह बताया गया कि अल्लू अर्जुन ने त्रिविक्रम को कुछ बदलाव करने की सलाह दी थी। शिष्यों की अदला बदली का विचार पहले वेदांतम राघवैया की इंटी गुट्टू 1958 में किया गया था, जिसमें एन टी रामा राव और सवित्री ने अभिनय किया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो अपने थिएटर रन के अंत तक फिल्म दुनिया भर में 262 करोड़ से 280 करोड़ की कमाई करने में सफल रही, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म ने दुनिया भर के वितरकों को कमाई की 163.17 करोड़ का हिस्सा है। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस मतलब ऑनलाइन किस किस ने रिस्पॉन्स किए इस फिल्म के बारे में तो फिल्म को विशेष रूप से अल्लू अर्जुन संगीत स्कोर पटकथा और पटकथा के प्रदर्शन के लिए ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, जबकि फिल्म की अनुमानित कहानी और कथा की आलोचना की गई है। बात करें समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटो ने 5 समीक्षकों के आधार पर 100% की स्वीकृति रेटिंग की रचना दी। फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दी और लिखा कि अल्लू आला वैकंठा मनपुरलो काफ़ी हद तक मनोरंजक और आकर्षक दोनों हैं, हालांकि इसके खांचे को खोजने से पहले इसमें काफ़ी समय लगता है। कोई इस बारे में बहुत बहस कर सकता है कि फिल्म की गति किसी है फिल्म को फिल्म हो सकती थी और अगर पत्रों के एक समूह को खाने के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने का एक बेहतर तरीका होगा, लेकिन जब त्रिविक्रम कहानी सुनना समाप्त करता है तो वह आपको एक सुखद एहसास देता है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब OTT प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं तो फिल्म के उपग्रह और डिजिटल अधिकार केवल जेमिनी टीवी को बेचे गए थे। फिल्म का डिजिटल प्रीमियर 27 फरवरी 2020 को सन NXT पर हुआ। इसके थिएटर रन के 49 दिनों के बाद उसी दिन निर्माताओं ने फिल्म को नेटफ्लिक्स के माध्यम से स्ट्रीमिंग अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ मलयालम डब संस्करण के साथ अंगु वैकुंठपुरमुलु को 4 मार्च 2020 को मंच के माध्यम से जारी किया। फिल्म का विश्व टेलीविजन प्रीमियर 16 अगस्त 2020 को जेमिनी टीवी और जेमिनी मूवीज के माध्यम से हुआ। वैकुंठपुरम नामक तमिल डब संस्करण का सन टीवी पर प्रीमियर हुआ। इसने 29.4 रेटिंग के साथ एक रिकॉर्ड TRP
दर्ज की, जो अब तक की एक तेलुगु फिल्म के लिए उच्चतम है। 13 फरवरी 2022 को डिनचेक टीवी चैनल पर हिंदी डब संस्करण का प्रीमियर हुआ था। आला वैकुंठ पुरमुलु, जिसे परमवाद AVPL द्वारा भी जाना जाता है, एक 2020 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे त्रिविक्रम श्रीनिवास ने लिखा और निर्देशित किया है। पूजा हेगड़े, तब्बू जयराम, सुशांत निवेदाम, पेतुराज समुद्रकानी, गोविंद पच्च सूर्याम, सचिन खेड़कर, मुरली शर्मा, रोहिणी नवदीप, सुनील हर्षवर्धन, वेनला किशोर, अजय जैसे कलाकारों की टुकड़ी के साथ फिल्म में अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में हैं और राजेंद्र प्रसाद अन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसका निर्माण अल्लू अरविंद और एक एस राधाकृष्ण ने क्रमश अपने बैनर गीता आर्ट्स और हरिकम और हसीन क्रिएशंस के तहत किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो अल्लू अर्जुन बंटू के रूप में हैं, पूजा हेगड़े अमूल्य अम्मू के रूप में, बंटू की प्रेमिका, तब्बू यशोदा यासु बंटू की जैविक माँ और राज की पालक माँ के रूप में हैं, रामचंद्र के रूप में जयराम बंटू के जैविक पिता और राज के पालक पिता हैं, सुशांत के रूप में राज मनोहर राज है, नंदिनी नंदू के रूप में निवेथाम पुथुराज राज की प्रेमिका है, काशीराम की बेटी, समुद्रकानी अप्पालाम नायडू के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो यह बताया गया कि त्रिविक्रम श्रीनिवास अल्लू अर्जुन के साथ एक नई फिल्म का निर्देशन करेंगे, जो अरविंद समितम वीरा राघव 2018 की रिलीज के बाद होंगी। पटकथा सुनने के बाद यह बताया गया कि अल्लू अर्जुन ने त्रिविक्रम को कुछ बदलाव करने की सलाह दी थी। शिष्यों की अदला बदली का विचार पहले वेदांतम राघवैया की इंटी गुट्टू 1958 में किया गया था, जिसमें एनटी रामा राव और सवित्री ने अभिनय किया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो अपने थिएटर रन के अंत तक फिल्म दुनिया भर में 262 करोड़ से 280 करोड़ की कमाई करने में सफल रही, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म ने दुनिया भर के वितरकों को कमाई की 163.17 करोड़ का हिस्सा है। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस, मतलब ऑनलाइन किस किस ने रिस्पॉन्स किए इस फिल्म के बारे में तो फिल्म को विशेष रूप से अल्लू अर्जुन संगीत स्कोर पटकथा और पटकथा के प्रदर्शन के लिए ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, जबकि फिल्म की अनुमानित कहानी और कथा की आलोचना की गई है। बात करें समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटो ने 5 समीक्षकों के आधार पर 100% की स्वीकृति रेटिंग की रचना दी। फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दी और लिखा कि अल्लू आला वैकंठा मनपुरलो काफ़ी हद तक मनोरंजक और आकर्षक दोनों हैं, हालांकि इसकी खांचे को खोजने से पहले इसमें काफ़ी समय लगता है। कोई इस बारे में बहुत बहस कर सकता है कि फिल्म की गति किसी है फिल्म को फिल्म हो सकती थी, और अगर पत्रों के एक समूह को खाने के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने का एक बेहतर तरीका होगा, लेकिन जब त्रिविक्रम कहानी सुनना समाप्त करता है तो वह आपको एक सुखद एहसास देता है। बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब OTT प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं, तो
फिल्म के उपग्रह और डिजिटल अधिकार केवल जेमिनी टीवी को बेचे गए थे। फिल्म का डिजिटल प्रीमियर 27 फरवरी 2020 को सन एनएक्सटी पर हुआ। इसके थिएटर रन के 49 दिनों के बाद उसी दिन निर्माताओं ने फिल्म को नेटफ्लिक्स के माध्यम से स्ट्रीमिंग अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ मलयालम डब संस्करण के साथ अंगु वैकुंठपुरमुलु को 4 मार्च 2020 को मंच के माध्यम से जारी किया। फिल्म का विश्व टेलीविजन प्रीमियर 16 अगस्त 2020 को जेमिनी टीवी और जेमिनी मूवीज के माध्यम से हुआ। वैकुंठपुरमु नामक तमिल डब संस्करण का सन टीवी पर प्रीमियर हुआ। इसने 29.4 रेटिंग के साथ एक रिकॉर्ड टीआरपी दर्ज की, जो अब तक की एक तेलुगु फिल्म के लिए उच्चतम है। 13 फरवरी 2022 को डिनचेक टीवी चैनल पर हिंदी डब संस्करण का प्रीमियर हुआ था। आला वैकुंठपुरमुलु, जिसे परमभिकवाद एवीपीएल द्वारा भी जाना जाता है, एक 2020 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे त्रिविक्रम श्रीनिवास ने लिखा और निर्देशित किया है। पूजा हेगड़े, तब्बू जयराम, सुशांत निवेदाम, पेतुराज समुद्रकानी, गोविंद पच्चासूर्या, सचिन खेड़कर, मुरली शर्मा, रोहिणी नवदीप, सुनील हर्षवर्धन, वेनला किशोर, अजय जैसे कलाकारों की टुकड़ी के साथ फिल्म में अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में है और राजेंद्र प्रसाद अन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसका निर्माण अल्लू अरविंद और एक एस राधाकृष्ण ने क्रमशः अपने बैनर गीता आर्ट्स और हरिकम और हसीन क्रिएशंस के तहत किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो अल्लू अर्जुन बंडू के रूप में हैं, पूजा हेगड़े अमूल्य अम्मू के रूप में, बंटू की प्रेमिका, तब्बू यशोदा यासु बंटू की जैविक माँ और राज की पालक माँ के रूप में हैं, रामचंद्र के रूप में जयराम बंटू के जैविक पिता और राज के पालक पिता हैं, सुशांत के रूप में राज मनोहर राज है, नंदिनी नंदू के रूप में निवेथाम पुथुराज राज की प्रेमिका है, काशीराम की बेटी, समुद्रकानी अप्पालाम नायडू के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो यह बताया गया कि त्रिविक्रम श्रीनिवास अल्लू अर्जुन के साथ एक नई फिल्म का निर्देशन करेंगे, जो अरविंद समिताम वीरा राघव 2018 की रिलीज के बाद होंगी। पटकथा सुनने के बाद यह बताया गया कि अल्लू अर्जुन ने त्रिविक्रम को कुछ बदलाव करने की सलाह दी थी। शिष्यों की अदला बदली का विचार पहले वेदांतम राघवैया की इंटी गुट्टू 1958 में किया गया था, जिसमें एन टी रामा राव और सवित्री ने अभिनय किया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो अपने थिएटर रन के अंत तक फिल्म दुनिया भर में 262 करोड़ से 280 करोड़ की कमाई करने में सफल रही, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म ने दुनिया भर के वितरकों को कमाई की 163.17 करोड़ का हिस्सा है। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस, मतलब ऑनलाइन किस किस ने रिस्पॉन्स किए इस फिल्म के बारे में तो फिल्म को विशेष रूप से अल्लू अर्जुन संगीत स्कोर पटकथा और पटकथा के प्रदर्शन के लिए ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, जबकि फिल्म की अनुमानित कहानी और कथा की आलोचना की गई है। बात करें समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटो ने 5 समीक्षकों के आधार पर 100 की
100% की स्वीकृति रेटिंग की रचना दी। फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दी और लिखा कि अल्लू आला वैकुंठा मरुपुरोलो काफ़ी हद तक मनोरंजक और आकर्षक दोनों हैं। हालांकि इसके खांचे को खोजने से पहले इसमें काफ़ी समय लगता है। कोई इस बारे में बहुत बहस कर सकता है कि फिल्म की गति किसी है फिल्म हो सकती थी और अगर पत्रों के एक समूह को खाने के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने का एक बेहतर तरीका होगा। लेकिन जब त्रिविक्रम कहानी सुनना समाप्त करता है तो वह आपको एक सुखद एहसास देता है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब OTT प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं तो फिल्म के उपग्रह और डिजिटल अधिकार केवल जेमिनी टीवी को बेचे गए थे। फिल्म का डिजिटल प्रीमियर 27 फरवरी 2020 को सन NXT पर हुआ। इसके थिएटर रन के 49 दिनों के बाद उसी दिन निर्माताओं ने फिल्म को नेटफ्लिक्स के माध्यम से स्ट्रीमिंग अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ मलयालम डब संस्करण के साथ अंगू वैकुंठपुरमुलु को 4 मार्च 2020 को मंच के माध्यम से जारी किया। फिल्म का विश्व टेलीविजन प्रीमियर 16 अगस्त 2020 को जेमिनी टीवी और जेमिनी मूवीज के माध्यम से हुआ। वैकुंठपुरमु नामक तमिल डब संस्करण का सन टीवी पर प्रीमियर हुआ। इसने 29.4 रेटिंग के साथ एक रिकॉर्ड TRP दर्ज की जो अब तक की एक तेलुगु फिल्म के लिए उच्चतम है। 13 फरवरी 2022 को डिनचेक टीवी चैनल पर हिंदी डब संस्करण का प्रीमियर हुआ था। आला वैकुंठपुरमुलु जिसे परमभिकवाद AVPL द्वारा भी जाना जाता है एक 2020 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे त्रिविक्रम श्रीनिवास ने लिखा और निर्देशित किया है। पूजा हेगड़े तब्बू जयराम सुशांत निवेदाम पेथुराज समुद्रकानी गोविंद पच्चा सूर्या सचिन खेड़कर मुरली शर्मा रोहिणी नवदीप सुनील हर्षवर्धन वेनला किशोर अजय जैसे कलाकारों की टुकड़ी के साथ फिल्म में अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में हैं और राजेंद्र प्रसाद अन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसका निर्माण अल्लू अरविंद और एक एस राधाकृष्ण ने क्रमश अपने बैनर गीता आर्ट्स और हरिकम और हसीन क्रिएशंस के तहत किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो अल्लू अर्जुन बंडू के रूप में हैं, पूजा हेगड़े अमूल्य अम्मू के रूप में बंटू की प्रेमिका, तब्बू यशोदा यासु बंटू की जैविक माँ और राज की पालक माँ के रूप में हैं। रामचंद्र के रूप में जयराम बंटू के जैविक पिता और राज के पालक पिता हैं। सुशांत के रूप में राज मनोहर राज है। नंदिनी नंदू के रूप में निवेथा पुथुराज राज की प्रेमिका है, काशीराम की बेटी। समुद्रकानी अप्पालाम नायडू के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो यह बताया गया कि त्रिविक्रम श्रीनिवास अल्लू अर्जुन के साथ एक नई फिल्म का निर्देशन करेंगी जो अरविंद समिताम वीरा राघव 2018 की रिलीज के बाद होंगी। पटकथा सुनने के बाद यह बताया गया कि अल्लू अर्जुन ने त्रिविक्रम को कुछ बदलाव करने की सलाह दी थी। शिष्यों की अदला बदली का विचार पहले वेदांतम राघवैया की इंटी गुट्टू 1958 में किया गया था।
जिसमें एन टी रामा राव और सावित्री ने अभिनय किया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो अपने थिएटर रन के अंत तक फिल्म दुनिया भर में 262 करोड़ से 280 करोड़ की कमाई करने में सफल रही, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म ने दुनिया भर के वितरकों को कमाई की 163.17 करोड़ का हिस्सा है। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस, मतलब ऑनलाइन किस किस ने रिस्पॉन्स किए इस फिल्म के बारे में, तो फिल्म को विशेष रूप से अल्लू अर्जुन संगीत स्कोर पटकथा और पटकथा के प्रदर्शन के लिए ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, जबकि फिल्म की अनुमानित कहानी और कथा की आलोचना की गई है। बात करें समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटो ने 5 समीक्षकों के आधार पर 100% की स्वीकृति रेटिंग की। रचनाधीन फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दी और लिखा कि अल्लू आला वैकंठा मनपुरलो काफ़ी हद तक मनोरंजक और आकर्षक दोनों हैं। हालांकि इसके खांचे को खोजने से पहले इसमें काफ़ी समय लगता है। कोई इस बारे में बहुत बहस कर सकता है कि फिल्म की गति किसी है फिल्म को फिल्म हो सकती थी, और अगर पत्रों के एक समूह को खाने के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने का एक बेहतर तरीका होगा। लेकिन जब त्रिविक्रम कहानी सुनना समाप्त करता है, तो वह आपको एक सुखद एहसास देता है। बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब OTT प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं, तो फिल्म के उपग्रह और डिजिटल अधिकार केवल जेमिनी टीवी को बेचे गए थे। फिल्म का डिजिटल प्रीमियर 27 फरवरी 2020 को सन NXT पर हुआ। इसके थिएटर रन के 49 दिनों के बाद उसी दिन निर्माताओं ने फिल्म को नेटफ्लिक्स के माध्यम से स्ट्रीमिंग अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ मलयालम डब संस्करण के साथ अंगू वैकुंठपुरमुलु को 4 मार्च 2020 को मंच के माध्यम से जारी किया। फिल्म का विश्व टेलीविजन प्रीमियर 16 अगस्त 2020 को जेमिनी टीवी और जेमिनी मूवीज के माध्यम से हुआ। वैकुंठपुरमु नामक तमिल डब संस्करण का सन टीवी पर प्रीमियर हुआ। इसने 29.4 रेटिंग के साथ एक रिकॉर्ड TRP दर्ज की, जो अब तक की एक तेलुगु फिल्म के लिए उच्चतम है। 13 फरवरी 2022 को डिनचेक टीवी चैनल पर हिंदी डब संस्करण का प्रीमियर हुआ था। आला वैकुंठपुरमुलु, जिसे परमभिकवाद AVPL द्वारा भी जाना जाता है, एक 2020 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे त्रिविक्रम श्रीनिवास ने लिखा और निर्देशित किया है। पूजा हेगड़े, तब्बू जयराम, सुशांत निवेदा, पेतुराज समुद्रकानी, गोविंद पाचा सूर्या, सचिन खेड़कर, मुरली शर्मा, रोहिणी नवदीप, सुनील हर्षवर्धन, वेनला किशोर, अजय जैसे कलाकारों की टुकड़ी के साथ फिल्म में अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में है और राजेंद्र प्रसाद अन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसका निर्माण अल्लू अरविंद और AS राधाकृष्ण ने क्रमश अपने बैनर गीता आर्ट्स और हरिकम और हसीन क्रिएशंस के तहत किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो अल्लू अर्जुन बंडू के रूप में है, पूजा हेगड़े अमूल्य अम्मू के रूप में बंडू की प्रेमिका, तब्बू यशोदा यासु बंटू की जैविक माँ और राज की पालक माँ के रूप में है।
रामचंद्र के रूप में जयराम बंटू के जैविक पिता और राज के पालक पिता हैं। सुशांत के रूप में राज मनोहर राज है। नंदिनी नंदू के रूप में निवेथान पुथुराज राज की प्रेमिका है। काशीराम की बेटी समुद्र कानी अप्पालाम नायडू के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो यह बताया गया कि त्रिविक्रम श्रीनिवास अल्लू अर्जुन के साथ एक नई फिल्म का निर्देशन करेंगी जो अरविंद समितम वीरा राघव 2018 की रिलीज के बाद होंगी। पटकथा सुनने के बाद यह बताया गया कि अल्लू अर्जुन ने त्रिविक्रम को कुछ बदलाव करने की सलाह दी थी। शिष्यों की अदला बदली का विचार पहले वेदांतम राघवैया की इंटी गुट्टू 1958 में किया गया था, जिसमें एन टी रामा राव और सवित्री ने अभिनय किया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो अपने थिएटर रन के अंत तक फिल्म दुनिया भर में 262 करोड़ से 280 करोड़ की कमाई करने में सफल रही, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म ने दुनिया भर के वितरकों को कमाई की 163.17 करोड़ का हिस्सा है। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस मतलब ऑनलाइन किस किस ने रिस्पॉन्स किए इस फिल्म के बारे में तो फिल्म को विशेष रूप से अल्लू अर्जुन संगीत स्कोर पटकथा और पटकथा के प्रदर्शन के लिए ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, जबकि फिल्म की अनुमानित कहानी और कथा की आलोचना की गई है। बात करें समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटो ने 5 समीक्षकों के आधार पर 100% की स्वीकृति रेटिंग की रचना दी। फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दी और लिखा कि अल्लू आला वैकंठा मरपुरोलो काफ़ी हद तक मनोरंजक और आकर्षक दोनों हैं। हालांकि इसके खांचे को खोजने से पहले इसमें काफ़ी समय लगता है। कोई इस बारे में बहुत बहस कर सकता है कि फिल्म की गति किसी है फिल्म को फिल्म हो सकती थी और अगर पत्रों के एक समूह को खाने के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने का एक बेहतर तरीका होगा। लेकिन जब त्रिविक्रम कहानी सुनना समाप्त करता है तो वह आपको एक सुखद एहसास देता है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब OTT प्लेटफॉर्म जहां पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं तो फिल्म के उपग्रह और डिजिटल अधिकार केवल जेमिनी टीवी को बेचे गए थे। फिल्म का डिजिटल प्रीमियर 27 फरवरी 2020 को सन NXT पर हुआ। इसके थिएटर रन के 49 दिनों के बाद उसी दिन निर्माताओं ने फिल्म को नेटफ्लिक्स के माध्यम से स्ट्रीमिंग अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ मलयालम डब संस्करण के साथ अंगू वैकुंठपुरमुलु को 4 मार्च 2020 को मंच के माध्यम से जारी किया। फिल्म का विश्व टेलीविजन प्रीमियर 16 अगस्त 2020 को जेमिनी टीवी और जेमिनी मूवीज के माध्यम से हुआ। वैकुंठपुरमु नामक तमिल डब संस्करण का सन टीवी पर प्रीमियर हुआ। इसने 29.4 रेटिंग के साथ एक रिकॉर्ड TRP दर्ज की, जो अब तक की एक तेलुगु फिल्म के लिए उच्चतम है। 13 फरवरी 2022 को डिनचेक टीवी चैनल पर हिंदी डब संस्करण का प्रीमियर हुआ था। आला वैकुंठपुरमुलु जिसे परमभिकवाद AVPL द्वारा भी जाना जाता है एक 2020 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे त्रिविक्रम श्रीनिवास ने लिखा और निर्देशित किया है।
पूजा हेगड़े, तब्बू, जयराम, सुशांत, निवेदा, पेतुराज, समुद्रकानी, गोविंद पच्चा, सूर्याम, सचिन खेड़कर, मुरली शर्मा, रोहिणी, नवदीप, सुनील, हर्षवर्धन, वेनला किशोर, अजय जैसे कलाकारों की टुकड़ी के साथ फिल्म में अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में है और राजेंद्र प्रसाद अन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसका निर्माण अल्लू अरविंद और एक एस राधाकृष्ण ने क्रमशः अपने बैनर गीता आर्ट्स और हरिकम और हसीन क्रिएशंस के तहत किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो अल्लू अर्जुन बंटू के रूप में हैं, पूजा हेगड़े अमूल्य अम्मू के रूप में, बंटू की प्रेमिका तब्बू यशोदा, यासु बंटू की जैविक माँ और राज की पालक माँ के रूप में हैं, रामचंद्र के रूप में जयराम बंटू के जैविक पिता और राज के पालक पिता हैं, सुशांत के रूप में राज मनोहर राज है, नंदिनी नंदू के रूप में निवेदा पुथुराज राज की प्रेमिका है, काशीराम की बेटी, समुद्रकानी अप्पालाम नायडू के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो यह बताया गया कि त्रिविक्रम श्रीनिवास अल्लू अर्जुन के साथ एक नई फिल्म का निर्देशन करेंगे जो अरविंद समितम वीरा राघव 2018 की रिलीज के बाद होंगी। पटकथा सुनने के बाद यह बताया गया कि अल्लू अर्जुन ने त्रिविक्रम को कुछ बदलाव करने की सलाह दी थी। शिष्यों की अदला बदली का विचार पहले वेदांतम राघवैया की इंटी गुट्टू 1958 में किया गया था, जिसमें एन टी रामा राव और सवित्री ने अभिनय किया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो अपने थिएटर रन के अंत तक फिल्म दुनिया भर में 262 करोड़ से 280 करोड़ की कमाई करने में सफल रही, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म ने दुनिया भर के वितरकों को कमाई की 163.17 करोड़ का हिस्सा है। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस मतलब ऑनलाइन किस किस ने रिस्पॉन्स किए इस फिल्म के बारे में तो फिल्म को विशेष रूप से अल्लू अर्जुन संगीत स्कोर पटकथा और पटकथा के प्रदर्शन के लिए ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, जबकि फिल्म की अनुमानित कहानी और कथा की आलोचना की गई है। बात करें समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटो ने 5 समीक्षकों के आधार पर 100% की स्वीकृति रेटिंग की रचना दी। फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दी और लिखा कि अल्लू आला वैकंठा मनपुरलो काफ़ी हद तक मनोरंजक और आकर्षक दोनों हैं। हालांकि इसके खांचे को खोजने से पहले इसमें काफ़ी समय लगता है। कोई इस बारे में बहुत बहस कर सकता है कि फिल्म की गति किसी है फिल्म हो सकती थी और अगर पत्रों के एक समूह को खाने के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने का एक बेहतर तरीका होगा, लेकिन जब त्रिविक्रम कहानी सुनना समाप्त करता है तो वह आपको एक सुखद एहसास देता है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं तो फिल्म के उपग्रह और डिजिटल अधिकार केवल जेमिनी टीवी को बेचे गए थे। फिल्म का डिजिटल प्रीमियर 27 फरवरी 2020 को सन एनएक्सटी पर हुआ। इसके थिएटर रन के 49 दिनों के बाद उसी दिन निर्माताओं ने फिल्म को नेटफ्लिक्स के माध्यम से स्ट्रीमिंग अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ मलयालम डब संस्करण के साथ
अंगु वैकुंठपुरमुलो को 4 मार्च 2020 को मंच के माध्यम से जारी किया। फिल्म का विश्व टेलीविजन प्रीमियर 16 अगस्त 2020 को जेमिनी टीवी और जेमिनी मूवीज के माध्यम से हुआ। वैकुंठपुरम नामक तमिल डब संस्करण का सन टीवी पर प्रीमियर हुआ। इसने 29.4 रेटिंग के साथ एक रिकॉर्ड टीआरपी दर्ज की, जो अब तक की एक तेलुगु फिल्म के लिए उच्चतम है। 13 फरवरी 2022 को डिनचेक टीवी चैनल पर हिंदी डब संस्करण का प्रीमियर हुआ था। आला वैकुंठ पुरमुलु, जिसे प्रारंभिक वाद AVPL द्वारा भी जाना जाता है, एक 2020 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे त्रिविक्रम श्रीनिवास ने लिखा और निर्देशित किया है। पूजा हेगड़े, तब्बू जयराम, सुशांत निवेदाम, पेतुराज समुद्रकानी, गोविंद पच्चा सूर्याम, सचिन खेड़कर, मुरली शर्मा, रोहिणी नवदीप, सुनील हर्षवर्धन, वेनाला किशोर, अजय जैसे कलाकारों की टुकड़ी के साथ फिल्म में अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में हैं और राजेंद्र प्रसाद अन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसका निर्माण अल्लू अरविंद और एक एस राधाकृष्ण ने क्रमश अपने बैनर गीता आर्ट्स और हरिकम और हसीन क्रिएशंस के तहत किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो अल्लू अर्जुन बंडू के रूप में हैं, पूजा हेगड़े अमूल्य अम्मू के रूप में बंटू की प्रेमिका, तब्बू यशोदा यासु बंटू की जैविक माँ और राज की पालक माँ के रूप में हैं। रामचंद्र के रूप में जयराम बंटू के जैविक पिता और राज के पालक पिता हैं। सुशांत के रूप में राज मनोहर राज है। नंदिनी नंदू के रूप में निवेथाम पुथुराज राज की प्रेमिका है, काशीराम की बेटी। समुद्रकानी अप्पालाम नायडू के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो यह बताया गया कि त्रिविक्रम श्रीनिवास अल्लू अर्जुन के साथ एक नई फिल्म का निर्देशन करेंगे, जो अरविंद समिताम वीरा राघव 2018 की रिलीज के बाद होंगी। पटकथा सुनने के बाद यह बताया गया कि अल्लू अर्जुन ने त्रिविक्रम को कुछ बदलाव करने की सलाह दी थी। शिष्यों की अदला बदली का विचार पहले वेदांतम राघवैया की इंटी गुट्टू 1958 में किया गया था, जिसमें एन टी रामा राव और सवित्री ने अभिनय किया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो अपने थिएटर रन के अंत तक फिल्म दुनिया भर में 262 करोड़ से 280 करोड़ की कमाई करने में सफल रही, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म ने दुनिया भर के वितरकों को कमाई की 163.17 करोड़ का हिस्सा है। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस, मतलब ऑनलाइन किस किस ने रिस्पॉन्स किए इस फिल्म के बारे में तो फिल्म को विशेष रूप से अल्लू अर्जुन संगीत स्कोर पटकथा और पटकथा के प्रदर्शन के लिए ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, जबकि फिल्म की अनुमानित कहानी और कथा की आलोचना की गई है। बात करें समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटो ने 5 समीक्षकों के आधार पर 100% की स्वीकृति रेटिंग की रचना दी। फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दी और लिखा कि अल्लू आला वैकंठा मनपुरलो काफ़ी हद तक मनोरंजक और आकर्षक दोनों हैं। हालांकि इसके खांचे को खोजने से पहले इसमें काफ़ी समय लगता है। कोई इस बारे में बहुत बहस कर सकता है कि फिल्म की गति किसी
है। फिल्म को फिल्म हो सकती थी और अगर पत्रों के एक समूह को खाने के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने का एक बेहतर तरीका होगा। लेकिन जब त्रिविक्रम कहानी सुनना समाप्त करता है तो वह आपको एक सुखद एहसास देता है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब OTT प्लेटफॉर्म जहां पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं, तो फिल्म के उपग्रह और डिजिटल अधिकार केवल जेमिनी टीवी को बेचे गए थे। फिल्म का डिजिटल प्रीमियर 27 फरवरी 2020 को सन NXT पर हुआ। इसके थिएटर रन के 49 दिनों के बाद उसी दिन निर्माताओं ने फिल्म को नेटफ्लिक्स के माध्यम से स्ट्रीमिंग अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ मलयालम डब संस्करण के साथ अंगु वैकुंठपुरमुलु को 4 मार्च 2020 को मंच के माध्यम से जारी किया। फिल्म का विश्व टेलीविजन प्रीमियर 16 अगस्त 2020 को जेमिनी टीवी और जेमिनी मूवीज के माध्यम से हुआ। वैकुंठपुरमु नामक तमिल डब संस्करण का सन टीवी पर प्रीमियर हुआ। इसने 29.4 रेटिंग के साथ एक रिकॉर्ड TRP दर्ज की, जो अब तक की एक तेलुगु फिल्म के लिए उच्चतम है। 13 फरवरी 2022 को डिनचेक टीवी चैनल पर हिंदी डब संस्करण का प्रीमियर हुआ था। आला वैकुंठपुरमुलु, जिसे परमभिकवाद AVPL द्वारा भी जाना जाता है, एक 2020 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे त्रिविक्रम श्रीनिवास ने लिखा और निर्देशित किया है। पूजा हेगड़े, तब्बू जयराम, सुशांत निवेदा, पेतुराज समुद्रकानी, गोविंद पाचा सूर्या, सचिन खेड़कर, मुरली शर्मा, रोहिणी नवदीप, सुनील हर्षवर्धन, वेनला किशोर, अजय जैसे कलाकारों की टुकड़ी के साथ फिल्म में अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में हैं और राजेंद्र प्रसाद अन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसका निर्माण अल्लू अरविंद और AS राधाकृष्ण ने क्रमश अपने बैनर गीता आर्ट्स और हरिकम और हसीन क्रिएशंस के तहत किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो अल्लू अर्जुन बंटू के रूप में हैं, पूजा हेगड़े अमूल्य अम्मू के रूप में बंटू की प्रेमिका, तब्बू यशोदा यासु बंटू की जैविक माँ और राज की पालक माँ के रूप में हैं, रामचंद्र के रूप में जयराम बंटू के जैविक पिता और राज के पालक पिता हैं, सुशांत के रूप में राज मनोहर राज है, नंदिनी नंदू के रूप में निवेथान पुथुराज राज की प्रेमिका है, काशीराम की बेटी, समुद्रकानी अप्पालाम नायडू के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो यह बताया गया कि त्रिविक्रम श्रीनिवास अल्लू अर्जुन के साथ एक नई फिल्म का निर्देशन करेंगे, जो अरविंद समिताम वीरा राघव 2018 की रिलीज के बाद होंगी। पटकथा सुनने के बाद यह बताया गया कि अल्लू अर्जुन ने त्रिविक्रम को कुछ बदलाव करने की सलाह दी थी। शिष्यों की अदला बदली का विचार पहले वेदांतम राघवैया की इंटी गुट्टू 1958 में किया गया था, जिसमें NT रामा राव और सवित्री ने अभिनय किया था। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो अपने थिएटर रन के अंत तक फिल्म दुनिया भर में 262 करोड़ से 280 करोड़ की कमाई करने में सफल रही, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म ने दुनिया भर के वितरकों को कमाई की
63.17 करोड़ का हिस्सा है। बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस मतलब ऑनलाइन किस किस ने रिस्पॉन्स किए इस फिल्म के बारे में, तो फिल्म को विशेष रूप से अल्लू अर्जुन, संगीत स्कोर, पटकथा और पटकथा के प्रदर्शन के लिए ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, जबकि फिल्म की अनुमानित कहानी और कथा की आलोचना की गई है। बात करें समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटो ने 5 समीक्षकों के आधार पर 100% की स्वीकृति रेटिंग की। रचनाधीन फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कि अल्लू आला वैकंठा मनपुरलो काफ़ी हद तक मनोरंजक और आकर्षक दोनों हैं। हालांकि इसके खांचे को खोजने से पहले इसमें काफ़ी समय लगता है। कोई इस बारे में बहुत बहस कर सकता है कि फिल्म की गति किसी है फिल्म को फिल्म हो सकती थी और अगर पत्रों के एक समूह को खाने के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने का एक बेहतर तरीका होगा, लेकिन जब त्रिविक्रम कहानी सुनना समाप्त करता है तो वह आपको एक सुखद एहसास देता है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब OTT प्लेटफॉर्म जहां पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं, तो फिल्म के उपग्रह और डिजिटल अधिकार केवल जेमिनी टीवी को बेचे गए थे। फिल्म का डिजिटल प्रीमियर 27 फरवरी 2020 को सन NXT पर हुआ। इसके थिएटर रन के 49 दिनों के बाद उसी दिन निर्माताओं ने फिल्म को नेटफ्लिक्स के माध्यम से स्ट्रीमिंग अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ मलयालम डब संस्करण के साथ अंगू वैकुंठपुरमुलो को 4 मार्च 2020 को मंच के माध्यम से जारी किया। फिल्म का विश्व टेलीविजन प्रीमियर 16 अगस्त 2020 को जेमिनी टीवी और जेमिनी मूवीज के माध्यम से हुआ। वैकुंठपुरम नामक तमिल डब संस्करण का सन टीवी पर प्रीमियर हुआ। इसने 29.4 रेटिंग के साथ एक रिकॉर्ड TRP दर्ज की, जो अब तक की एक तेलुगु फिल्म के लिए उच्चतम है। 13 फरवरी 2022 को डिनचेक टीवी चैनल पर हिंदी डब संस्करण का प्रीमियर हुआ था। इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।